स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमले भ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुधाय नमः। संकर्षणाय च भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तःस्थमीश्वरम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोत्मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गदी धरूं पधारिए। पवन कुमार सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरे द्वार, अरे ओ वृष भानु की लाडली निक मेरी और निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। आज की इस परम पावन दिन का शुभारंभ होता है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। पागल या दीवाना मस्ता नहीं कहे। कोई पागल या दीवाना
पागल कोई दीवाना मजता नहीं कहे अब सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। मेरी फरियाद पे न तुमने राधे 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 कहने की।
सी हो गई है। श्री बांकी बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की आदि शक्ति जगत जननी की श्री हनुमान जी महाराज की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे राधे देवताओं को भी मारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे साथ साथ दे रहे पार्षदों को भी मारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी पधारी हुई वैष्णव जनों के हृदय में विराजमान आदि शक्ति के परम भक्तों के हृदय में विराजमान श्री जगत जननी के चरण अरविंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। सभी पधारी हुई भक्ति स्वरूपा माताओं को एवं हमारी प्रभु प्यारे प्रेमी जन भक्त जनों को हमारी व्यासपीठ से प्यार भरा राधे राधे। आज कथा का तृतीय दिवस आदि शक्ति की असीम अनुकंपा कृपा की भक्ति करने का जीवन में यह सौभाग्य मिला। महाराज कहते हैं भक्ति भी दो प्रकार की मानी जाती है, एक है साधन साधन जन्य भक्ति और दूसरी है साध्य भक्ति। तो जो साधन भक्ति होती है वो क्या है, भगवान की भजन की जिसमें साधना हो अर्थात भजन जिसमें होने लगे जिसमें हम भजन के लिए प्रयास करते हैं उसके लिए प्रयत्न करते हैं उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। और दूसरी है साध्य भक्ति। तो कहते हैं इसका स्वरूप है कि साक्षात भगवान के जिसमें दर्शन होने लगे भजन इतना ऊपर बढ़ जाए कि जिसमें परमात्मा और जीवात्मा में कोई अंतर ना रह जाए उसे कहते हैं साध्य भक्ति। महाराज उनकी सन्निधि उनसे एकत्व होने लगे उनसे मिलन होने लगे क्योंकि कहा कि परमात्मा है समस्त रसों के समूह महाराज एक रस परमात्मा है ईश्वर है और उससे बड़ा कोई रस नहीं है संसार में उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है उससे बड़ा कोई परमानंद नहीं है। तो वही एक आदि शक्ति की भक्ति वो रस स्वरूप ईश्वर की भक्ति के लिए जब जीव प्रयत्न होता है और जब प्रयत्न के द्वारा साधन के द्वारा जब जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व हो जाए दोनों का मिलन हो जाए अर्थात रस क्या है ये इंद्रियां ही रस हैं रसो नाम समूहो रासा। तो ये समस्त इंद्रियों का समूह क्या है रस है और इन रसों का देवता कौन है वो परमात्मा परम ब्रह्म परम
पिता परमेश्वर। तो जब उस परमात्मा से इस रस का एकत्व हो जाए, अर्थात ये जीवात्मा और वो परमात्मा मिल जाए, तो उसी को कहते हैं साध्य भक्ति, जिसमें अब दोनों में कोई भेद ना रह जाए, कोई दूरी ना रह जाए। महाराज, तो ये भक्ति करने का सुनहरा अवसर हमें मिला है। एक बार पुनः जगत जननी के आशीर्वाद से, कृपा से आपके इस नगर में नव दुर्गा युवा समिति के द्वारा ये सुंदर आयोजन किया गया। ये कोई साधारण बात नहीं होती है कि भगवान की कथा इतनी जल्दी जल्दी, यदि आप श्रवण पान कर रहे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं है। मात्र सुनने में ऐसा लगता है कि हम साधारण सी चीज कर रहे हैं, लेकिन कोई साधारण सी बात नहीं है महाराज। चाहे आप अपने घर की एक कन्या का विवाह कर लीजिए, चाहे भगवान की कथा को सुन लीजिए, उतना ही साधन आपको जुटाना पड़ता है, उतनी ही आपको प्रयास कोशिश करनी पड़ती है महाराज। तो कोई साधारण सी बात नहीं, लेकिन ये होता जीवन में तब है जब इसमें हरि की कृपा मिल जाती है। क्योंकि कहा है ना गोस्वामी जी ने, हम फिर से बता रहे हैं कि बिनु सात संग विवेक न होई, बिनु सात संग विवेक महाराज। ये सत्संग का ही प्रभाव, इससे पूर्व आपने सत्संग किया उसी का प्रभाव है कि पुनः जीवन में एक बार सत्संग करने का अवसर मिला। विवेक बुद्धि जागृत होती है किससे? संतों के संग से, इस सत्संग से। और जब ये बुद्धि जागृत होती है तभी हम भक्ति के पथ पर निकलते हैं और भक्ति हमारे अंदर समाहित होती है। भगवान के भजन में ये मन लगता है, अन्यथा महाराज कहते हैं ना कि ये मन ऐसे नहीं लगता है, इसे जबरदस्ती लगाना पड़ता है। ये विचित्र है, ये मन कैसा है कि जिस प्रकार फर्श पर जल बिखर जाए तो जब तक उसे कपड़े से साफ नहीं करोगे वो बिखरता ही जाता है। उसी प्रकार ये मन है, इसे छोड़ दिया ना तो किस प्रकार है, बेलगाम घोड़ा होता है ना, अगर उसमें लगाम नहीं है तो वो ठहरने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। उसी प्रकार ये मन है, तो इस मन को रोकने के लिए ये सत्संग आवश्यक है, हरि से जोड़ने के लिए ये सत्संग आवश्यक है। और इस सत्संग से ही हमारी बुद्धि, हमारा विवेक जागृत होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सुलभ न सो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो ये सत्संग भी ऐसे नहीं मिलता, कैसे मिलता? जब तक राम की कृपा नहीं होगी, उस जगत जननी की कृपा नहीं होगी, तब तक ये सत्संग भी नहीं मिलता। इसलिए हम बारंबार कहते हैं कि एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं तब ये कथा श्रवण पान करने की हमारी रुचि होती है। नहीं तो महाराज, ऐसे तो आपका गांव बहुत बड़ा है लेकिन सब कथा सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे, उनके भाग्य में नहीं है। उन्होंने क्या किया है, हम बताते हैं ना कि जिनके पाप बढ़ते हैं उन्हें कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता, जिनके पुण्य बढ़ जाते हैं वो कथा के भागीदार होते हैं। तो जो कथा नहीं सुन पाते उनको तो महाराज शास्त्रों में यही कहा गया कि उनके पाप अनंत बढ़ गए हैं, इसलिए कथा में आ ही नहीं सकते, वो कथा सुन ही नहीं सकते, उसके अधिकारी ही नहीं है। इसलिए कहा कि ये मन कैसे है महाराज, ये मन को ऐसे बनाओ। आत्मा को कैसे बनाना है? अब प्रश्न ये आता है, किसी ने पूछा
कि जब संसार से आत्मा को ही परमात्मा में मिलना है, आत्मा का ही संयोग परमात्मा से होना है, तो फिर महाराज इस तन को तपाने की क्या जरूरत, इस तन से यज्ञ करने की, धर्म करने की, दान करने की, पुण्य करने की क्या आवश्यकता है? सोचा कभी? जब मिलना तो आत्मा को ही है, तो फिर इस तन से ये सब व्यर्थ हुआ। तो संतों ने कहा कि मान लीजिए आपको दुग्ध का पान करना है, गरम दूध पीना है, तो कच्चे दूध का सेवन तो कर नहीं सकते हो, कर ही नहीं पाओगे। तो दूध को पहले क्या करना पड़ेगा? बर्तन में छानना पड़ेगा, छान करके फिर उस बर्तन को अग्नि जला करके उसमें पकाना पड़ेगा, और पकाने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तभी उसका स्वाद आएगा और उसे पान कर सकते हो। तो महाराज उसी प्रकार इस शरीर को जब तक नहीं तपाओगे, इसे नहीं छानोगे, तब तक महाराज ये आत्मा शुद्ध ही नहीं होगी और मिलने लायक नहीं होगी भगवान से। इसलिए मिलना तो आत्मा को ही है, पर सुधारना इस शरीर को पड़ेगा, तब ये आत्मा निर्मल होगी और परमात्मा से मिलेगी। किस भांति के गुरु नानक जी कहते हैं कि जन्म गुरु गोविंद गाए नहीं जन्म अकारण लीन। महाराज ये जन्म व्यर्थ है उसका जिसने हरि का भजन नहीं किया, जिसने भगवान की साधना नहीं की, उनके भजन में मन नहीं लगाया, उसका जीवन मानो व्यर्थ है। कहा कि ये मनुष्य का जीवन किस प्रकार है, जिस प्रकार एक कुम्हार की गीली मिट्टी होती है ना, उसे कुम्हार चाक पे रखता है। अब कुम्हार जब तक उस पे राधे राधे, कुम्हार जब तक उस पे थाप नहीं मारेगा तो क्या वो मिट्टी अपने आप बर्तन में परिवर्तित हो जाएगी? होगी नहीं होगी। जब तक कुम्हार उसे हाथों से सवारेगा नहीं, सुधारेगा नहीं, तो वो मिट्टी से बर्तन नहीं बन सकता है, कोई भी पात्र नहीं बन सकता है। उसी प्रकार हम अपने जीवन को जब तक सुधारेंगे नहीं, तब तक भगवत चरणों में हम इस मन को, इस जीवन को नहीं लगा सकते। इसे सुधारना कैसे? इन्हीं हाथों से, अर्थात इसी कर्म से। महाराज जब कर्म श्रेष्ठ होंगे तो अपने आप भजन में भी मन लगेगा, और यदि कर्म में ही बुरे विचार हैं तो भजन में मन तो जाएगा ही नहीं। तो इसलिए जन्म मिला है मनुष्य का, तो उसे किस प्रकार भजन में लगाना है कि जिस प्रकार मीन होती है उसे जल से निकाल दो तो वो तड़पने लगती है, मानो मर ही जाएगी, लेकिन जैसे उसे जल में डाल दो तो कितनी संतुष्टि होती है, आनंद आ जाता है महाराज, मानो कब के बिछड़े अपने प्रियतम से मिल गए, इस प्रकार उसकी स्थिति होती। उसी प्रकार कहा ये आत्मा, ये आत्मा संसार में परमात्मा से बिछोह में है, तो इसकी भी तड़प उसी मीन की भांति होनी चाहिए, भजन के लिए, भगवान के नाम के लिए। और जब ये तड़प निरंतर बढ़ेगी तो भगवान से मिलन वो संयोग अवश्य होगा, भगवत प्राप्ति भी अवश्य होगी, और उसके लिए आवश्यक है ये सत्संग, भगवान की कथा सुनना, भगवान का भजन सुनना, क्योंकि कलयुग में सिर्फ एक ही आधार है महाराज, ये भगवान का नाम सुमिरन। हम बारंबार बताते हैं कि कलयुग में मुक्ति बहुत सरल है, सिर्फ मनुष्य ने जटिल बना रखा, इसलिए मुक्ति बहुत ही सरल है, सिर्फ नाम जप से मुक्ति मिल जाती है। तो आदिशक्ति की ये कथा हमें सुनने का सौभाग्य मिला, वो भी नवरात्र के पावन अवसर पर। कहते हैं आश्विन महीना, चैत्र महीने की नवरात्रि, या फिर माघ, या फिर आषाढ़ महीने की नवरात्रि, यदि इन चारों नवरात्रियों में कोई भी इन आदिशक्ति की आराधना करता है तो चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली ये जगत जननी, भोग मोक्ष की प्रदायिनी, हर प्रकार से आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर के आती है। इसलिए इस समय आदिशक्ति क्या करने आती है, कहा है ना कि देवी
दुर्गा इस समय अपने मायके आती है महाराज, 9 दिन के लिए मायके इनका आगमन होता है। तो जो इनको बुलाता है उनके घर में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि सबका निवास होता है, क्योंकि सारे गुणों से संपन्न है ये जगत की जननी। इस सृष्टि को बनाने वाली, चलाने वाली और इस सृष्टि का संहार करने वाली कहती है स्वयं कि मैं यदि अड़ जाऊं महाराज, यदि मैं अडिग हो जाऊं तो तुम श्वास भी नहीं ले सकते हो, जो भी शक्ति है मेरी ये वाणी बोल नहीं सकती यदि शक्ति न हो महाराज, ये कदम आपके चल नहीं सकते यदि उस शक्ति की शक्ति ना हो। तो हर जीव में, हर प्रकार से, हर रूप में, हर गुण में, हर शील में, हर स्वरूप में समाहित है वो जगत की जननी आदि शक्ति। और उनकी कथा सुनने का अवसर मिला है तो ध्यान लगा करके, एकाग्रचित होकर के, जो माताएं बहुत बात करती हैं वो बात नहीं करे, शांति से बैठ करके कथा सुनिए। व्यथा तो संसार की निरंतर चलती रहती है, संसार की व्यथा और भगवान की कथा, इनका कभी अंत ही नहीं है, इसलिए व्यथा चलती रहेगी। अभी कथाओं में मन को लगाइए। तो कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई? वैसे तो मात्र शक्ति बड़ा बात कर रहे महाराज हैं। अब बारी आई तो सबरी शांत है क्या, बैठ गई नीचे सिर करके, अब बताओ कहाँ पर कथा विश्राम हुई? सुनी कथा किसी ने? सुनी कहा? सुनी कह रही है भूल गई महाराज, बताओ सुनी और भूल गई इनको, कह भी रही है। इसीलिए माताएं बड़ी भोली होती हैं, देखिए स्वीकार भी कर रही हैं कि भूल गई हम। तो आपको बार बार कहा जाता है ना, एक बार हम भी कह दे यहाँ से कि काउंटर लगा हुआ है, कूपन कटवा लें, तो इसमें माता भी कटवा सकती है। क्यों? क्योंकि आज के समय में नारी शक्ति बहुत आगे है महाराज। स्प्लेंडर ही चला लो, यहाँ तो नारियां हेलीकॉप्टर चला रही है, कम से कम आप स्प्लेंडर तो चला लो, गाड़ी मिलने वाली है। तो आज के समय में नारी शक्ति बहुत आगे, यदि नारी शक्ति आगे आ जाए ना, तो उसी शक्ति के आधार पर शिव ने भी इस संसार का संहार किया, विष्णु ने भी इस संसार को पालित किया और ब्रह्मा ने इस सृष्टि का निर्माण किया। तो आवश्यक नहीं है कि ये पुरुषों के लिए कहा जा रहा है, आपके लिए भी कहा जा रहा है। यदि नारी सहयोग करने पर आ जाए तो कोई भी यज्ञ अधूरा नहीं हो सकता, इतनी नारी में शक्ति। इसलिए हमने बताया था पहले भी कि आप अपनी शक्ति का आभास ज्ञान उसी से लगा लीजिए कि आपके नाम के आगे ही श्रीमती लिखा हुआ है महाराज। तो जहाँ से लक्ष्मी के नाम से ही आपका नाम आरंभ हो, तो सोचिए आपके देने से क्या नहीं हो सकता। इसलिए आप भी इसमें सहयोग करिए, आप सभी के सहयोग के द्वारा ही यज्ञ जो होता है उसमें जिस प्रकार बने उस प्रकार सहयोग करना चाहिए। हम निरंतर बताते हैं सहयोग तीनों प्रकार से होता है, तन से, मन से और धन से। तो जिस प्रकार आपसे सहयोग बन सके आप सब भी सहयोग करिए। आपके ही समाज के, आपके ही घर के लोग यदि आपके ही कल्याण के लिए इतना बड़ा आयोजन करते हैं तो हमारा इसमें भाग्य है कि हम भी इसमें थोड़ा बहुत मदद कर पाए महाराज। राम जी की कथा याद है ना, जब सेतु निर्माण हो रहा था तो छोटी सी गिलहरी कंकड़ ले लेकर के डाल रही है महाराज। तो किसी ने पूछा कि तेरे इस प्रयास से क्या होगा, क्या सेतु बन जाएगा? तो बोले सेतु बने ना बने, लेकिन जब देने वालों में नाम आएगा और मदद करने वालों में जब नाम आएगा तो मुझ गिलहरी का भी शायद नाम आ जाए महाराज। इसलिए कहा बूंद बूंद से खड़ा भरता है। तो आप सब भी सहयोग करिए ताकि इनका जो प्रयास है वो अधूरा न रह जाए और इनकी जो उत्साहिकता है कहें वो कम ना हो महाराज। और इस वर्ष देवी भागवत हुआ, अगले वर्ष पुनः देवी आपके धाम में पधारें, इसलिए इस बार आप सहयोग करिए तो अगली बार फिर देवी आएंगे। तो सभी से निवेदन है, चूंकि आयोजन सार्वजनिक है, हमसे कहा गया, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी सभी सहयोग करें, इनकी सहायता करें, मदद करें। तो आइए, अब कथा आपको याद नहीं है, हम ही बताए देते हैं कि कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी, कहाँ पर हुई थी।
गंगा सागर में हुई थी। परीक्षित जी को अकाल मृत्यु का श्राप लगा, उनकी अकाल मृत्यु हुई, सदगति नहीं मिली। और उस मृत्यु को सुधारने के लिए पहले तो क्रोध में आकर के जनमेजय जी ने नाग सर्पेष्टि यज्ञ किया, जिसे आकर के आस्तिक मुनि ने रोक दिया। और यहीं पर व्यास जी महाराज ने उन्हें कहा कि यदि तुम चाहते हो जनमेजय कि तुम्हारे मन को शांति हो और परीक्षित को सदगति मिले, मोक्ष मिले, तो उसके लिए तुम सुंदर देवी का एक मंदिर निर्मित करवाओ, निर्माण करवाओ, और उसमें 9 दिनों तक देवी की आराधना करो, नवाह पारायण का सुंदर श्रवण पान करो। जनमेजय कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे ये जो अद्भुत बात बताई है ना देवी की महिमा की, इसे मैं विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ये भगवती है कौन जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, जिसकी आप आराधना की आज्ञा दे रहे हैं मुझे, आखिर ये भगवती है कौन और इसने किस किस पर कृपा की है, इसका मुझे विस्तार से वर्णन करके बताइए। तो व्यास जी कहते हैं कि जो प्रश्न तुमने मुझसे किया वही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था गंगा तट पे, महाराज गंगा जी के किनारे। तो नारद जी ने जो मुझे बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने यही प्रश्न किया था किससे? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उत्तर तो देने में शायद कोई भी सक्षम नहीं है महाराज, लेकिन फिर भी जितना मैं जानता हूँ उतना मैं तुम्हें बताता हूँ कि संसार में पहले कुछ नहीं था, जल ही जल था। और जल में मैंने एक कमल से जन्म लिया, मेरी उत्पत्ति हुई एक कमल के पुष्प से महाराज। अब मेरी उत्पत्ति हुई तो मुझे लगा कि ये जल आखिर स्थित किसमें है, कोई तो ऐसी शक्ति है जिसमें ये जल स्थित है। और ये जल जब स्थित है तो ये कमल जिस पर मैंने जन्म लिया है ये भी तो किसी पर थमा होगा, टिका होगा महाराज। तो मैंने उसका पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन मैं अंदर जाऊं बाहर आऊं पता ही न लगा पाऊं महाराज, उसका अंत ही नहीं। अब मुझे पता ही नहीं चले कि मैं आया कहां से। तब मुझे दो शब्द सुनाई दिए कि तप करो। मैंने तपस्या की और तपस्या के परिणाम स्वरूप यही हुआ, 1000 वर्षों तक मैंने तपस्या की। और तपस्या के बाद जब मैं आया तो यहीं पर मधु कैटभ दो दैत्य मुझे मारने के लिए आ गए, मैं श्री हरि की शरण में गया। अब मुझे समझ में आया कि ये कमल किस पर टिका है महाराज। जब मधु कैटभ मुझे मारने के लिए आए तो मैं उसी कमल की तंतुनाल से नीचे प्रवेश कर गया, जिसका अंत था श्री हरि के चरणों में। मैं जाकर के उन्हें जगाने लगा, वो घोर निद्रा में सोए हुए थे। निद्रा देवी का मैंने भगवती की आराधना की, उनकी निद्रा टूटी और वो उठ करके आए, मुझसे पूछा महाराज भगवती की ही कृपा से मधु कैटभ का उन्होंने उद्धार किया। और जब मधु कैटभ का उद्धार करके मैं और हरि खड़े थे, उसी समय शिव जी का भी वहीं पर आगमन हो गया। हम तीनों ने उस आदि शक्ति जगदम्बा की आराधना की, और आराधना करने के बाद उनसे प्रणाम करके पूछा कि हे देवी आप कौन हैं और हमारा कार्य क्या, हम क्या करें। तुम देवी ने कहा कि जाओ और जा करके सृष्टि की रचना करो, संसार की उत्पत्ति करो। तो जब सृष्टि है ही नहीं, चारों तरफ जल ही जल है, पृथ्वी है ही नहीं, तो हम सृष्टि कहाँ करें, संसार कहाँ बसाएं। तो देवी ने इशारा किया, ऊपर से एक विमान उतर रहा था, इसमें तीनों बैठ जाओ, मैं तुम्हें संसार के दर्शन कराती हूँ, अनंत लोकों के दर्शन कराती हूँ। हम तीनों ही उस पे सवार हो गए महाराज। वो विमान आकाश में वेग से उड़ा, एक झोंके में ही ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां बड़ा ही सुंदर स्थान था, चारों ओर हरियाली, सुंदर उपवन थे, बाग बगीचे, ऐसे ऐसे वृक्ष, ऐसी ऐसी लताएं पताएं कि देख करके मन आनंदित हो रहा था। ऐसे नारी पुरुष उसमें भ्रमण कर रहे थे, राजा रानियां उसमें भ्रमण कर रही थी कि हम देख करके विचार कर ही रहे थे, जानने का प्रयास कर ही रहे थे कि पुनः एक ही झोंके में वो विमान उड़ा और उड़ करके कहां पहुंच गया,
दूसरे लोक में। अब इस लोक में कैसा था कि पारिजात के सुंदर वृक्ष थे, नंदन वन था महाराज, एरावत हाथी था और गंधर्व विद्याधर सुंदर गान कर रहे थे। साक्षात इंद्र सची के साथ विराजमान हो करके देवताओं को आनंद प्रदान कर रहे थे। हमने उस लोक को देखा और हम आश्चर्यचकित रह गए। हमारी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तीनों की समझ में कुछ नहीं आ रहा। अभी हम एक दूसरे को देख ही रहे थे कि पुनः ये विमान वेग से उड़ा और उड़ करके कहाँ पहुंच गया, ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा जी विमान में है लेकिन उन्हें क्या दिख रहा है कि वहां अभी ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और सारे देवी देवता उनकी स्तुति उनका गान कर रहे हैं। कोई चंवर डुला रहा है, कोई चरणों की सेवा कर रहा है। महाराज ये देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हम तो ब्रह्मा जी शिव और विष्णु सब मेरी ओर देखने लगे दोनों के दोनों कि यदि ये ब्रह्मा है तो तुम कौन हो। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे खुद समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। मेरे ही स्वरूप का एक ब्रह्मा वहां भी बैठा हुआ है और यहाँ भी बैठा हुआ है महाराज। तो हम लोग कुछ निर्णय ले पाते उससे पहले ही वो विमान फिर से वेग से उड़ा और उड़ करके कहाँ पहुंच गया, शिव के लोक की ओर महाराज, जहाँ त्रिनेत्रधारी शंकर वृषभ पर विराजे दिखाई दिए। मंदार का सुंदर वन था, उपवन था, जहाँ सुंदर भक्तगण जय जयकार कर रहे थे, जिसके पीछे गणेश और कार्तिकेय रमण कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे महाराज। ऐसा वो सुंदर दृश्य देख करके हम सब एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एक शिव यहाँ भी है, एक शिव वहाँ भी बैठी हुई है, विराजे हुई है। पंचमुखी शिव जी विराजे हुए थे, उनकी समस्त सेना समस्त गण जय जयकार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लीला हो रही है। विमान फिर उड़ा और उड़ करके कहाँ पहुंच गया, श्री हरि के लोक वैकुंठ धाम। ऐसा दृश्य, ऐसा दृश्य महाराज कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अद्वितीय सजावट थी उस लोक की, लक्ष्मी का सुंदर भवन, जहाँ स्वयं श्री हरि के चरणों की सेवा करती हुई लक्ष्मी जी विराजमान थी, जिनके गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए शेष सैया पर श्री हरि विराजमान। देवगण उनकी स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, गंधर्व किन्नर नृत्य कर रहे हैं, उनके आगे पीछे डोल रहे हैं। ऐसा वो दृश्य देख करके हम तो आश्चर्यचकित रह गए कि महाराज ये कहाँ पहुंच गए, कहाँ आ गए। लेकिन जैसे ही हम कुछ समझ पाए उससे पहले ही वो विमान फिर से उड़ा और कहाँ पहुंच गया, अमृत के समान मीठे जल वाले समुद्र में एक मनोहर द्वीप था, जिसमें मंदार और पारिजात के वृक्षों की सघन छाया थी। उस स्थान पर अनेक प्रकार के बिस्तर बिछे हुए थे और ऐसी ऐसी सुगंध स्फुटित हो रही थी महाराज, कि जिसके आकर्षण में जीव अपने आप उस लोक में रमण करने को विवश हो जाए। तो ये कोई और द्वीप नहीं, यही था देवी का मणि द्वीप, जहां पर जगत जननी निवास करती है। एक स्वर्ण सिंहासन पर जिसमें नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए थे, उसी में सुंदर लाल लाल वस्त्रों को लाल पुष्पों की माला धारण किए हुए वो आदि शक्ति विराजमान थी। उसके चारों ओर ऐसी सुंदर सुंदर नारियां उसका पाद सेवन कर रही, उसका पूजन कर रही, उसका गान कर रही है। मैं किन शब्दों में वर्णन करूं, हम तो उसे देखते ही रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। साक्षात लक्ष्मी भी जिसके सामने फीकी थी, ऐसा उसका स्वरूप था उस आदि शक्ति का। और उसे देख करके मैं और भोले भी भ्रमित हो गए कि ये आखिर है कौन। विष्णु भी देख रहे हैं, आश्चर्यचकित हो गए कि ये है कौन ये देवी। बात समझ में नहीं आई तो विष्णु जी ने यहाँ पर कहा कि ये कोई और नहीं, ये वही साक्षात पराम्बा है, वही जगदम्बा है महाराज, जिनके हजारों नेत्र हैं, अनेक मुख हैं, अनेक हाथ हैं और सृष्टि का यही
उद्धार करने वाली, पालन करने वाली, संचालन करने वाली ये कोई और नहीं, वही जगदम्बा है, वही पराम्बा है। हम जैसे ही तीनों उन देवी के सामने पहुंचे, नजदीक जाने का प्रयास किया, तो हमारा पूरा स्वरूप ही बदल गया। हम पुरुष से नारी रूप में परिवर्तित हो गए। हम तीनों ही नारी बन गए, चाहे ब्रह्मा, चाहे विष्णु, चाहे महेश। हमारे जितने भी वस्त्र थे महाराज, वो नारियों के हो गए। हम सुंदर आभूषणों से सुसज्जित हो गए और जाकर के उन देवी के सामने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। देवी को जैसे ही प्रणाम किया तो वो देवी सुंदर अपने नेत्रों को खोल करके हमें देखती हैं। हमने उनके सुंदर मुख को देखा और देखते रह गए महाराज। ऐसा मन में विचार आया देवी के स्वरूप को देख करके कि अब तो पुरुष बनना ही व्यर्थ है, नारी बनने में ही फायदा है, कम से कम इनके दर्शन तो होते रहेंगे। इसलिए एक बार तो मन में विचार आया कि आदिशक्ति हमें अब नारी ही बने रहने दे तो ज्यादा सही है महाराज। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, मैंने ऐसा अद्भुत दृश्य देखा है कि उसका मैं बखान नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता। भगवती के जो पद कमल के नख थे, उस पे मैंने ऐसा देखा, ऐसा दैदीप्यमान दृश्य देखा, जिस प्रकार यशोदा मैया ने कन्हैया के मुख में ब्रह्मांड के दर्शन किए थे। वही ब्रह्मांड महाराज जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, वरुण, यमराज, कुबेर, कई कई लोगों के दर्शन हो गए, उसी प्रकार आज मैंने भी नारद जी सिर्फ देवी के नख को देखा और वो नख ऐसा दैदीप्यमान हो रहा था कि उसमें समस्त ब्रह्मांड के मुझे दर्शन हो रहे थे। देख करके मैं भी धन्य हो गया और देवी की स्तुति उनके जय जयकार करने लगा। हम तीनों ने देवी को प्रणाम किया। सर्वप्रथम विष्णु जी ने उनको नमस्कार किया, उनकी स्तुति की और कहा कि माता, मैं तुम्हारे चरण कमलों में मस्तक झुकाकर यही मांगता हूँ कि ये तुम्हारा रूप सदैव निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे और सदैव मैं तुम्हारा गुणगान करता रहूं और संसार को तुम्हारा गुणगान कराता रहूं। कि नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणौ तव सदा ज्ञान प्रकाशम मे देहि सर्वार्थम दे शिवे। विष्णु जी ने स्तुति करके मांगा कि हे अखिल लोक धारिणी, हे जगत की दात्री, हे शिवा, हे जगदम्ब के, बस इतना ही दे दो कि सदैव मेरा मन ये तुम्हारे चरण कमल में लगा रहे और इस वाणी से सदैव मैं तुम्हारा गुणगान करता रहूं। विष्णु जी ने स्तुति की, फिर शिव ने भी स्तुति की महाराज कि जगत को बनाने वाली हे महाभागा, ये संसार तुझसे अलग नहीं है, तुझसे विलग नहीं है। पांच तत्वों से बना ये संसार तुझ में ही समाहित है और तुझसे ही बनता है। तो हे जगत जननी, बस मुझे इतना दे दे कि अपने नवाक्षर मंत्र का मुझे उपदेश दे दे, जिससे जिसके जप से मैं सुखी हो जाऊं और अनंत काल तक, अनंत वर्षों तक तेरी आराधना करता रहूं, मेरे रोम रोम में तेरा नाम बस जाए। इसलिए कहा कि महाराज ऐसी लागी लगन, भोले हो गए मगन। यहीं पर भोले को ऐसी लगन लगी कि देवी की आराधना में ऐसे मगन हो गए कि उन्हें सब कुछ सुध बुध भूल गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम किनारे होकर के इस मंत्र का जाप करते रहो, अब हमारी बारी है। ब्रह्मा जी भी आ गए, स्तुति करने लगा और कहा हे देवी, ये संसार आपसे ही बना है, चाहे सतगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, तीनों को बनाने वाली आप और तीनों से उत्पन्न करने वाली हमें भी आप। इसलिए इस सत्ता को समझना, तेरी शक्ति को समझना बहुत जटिल काम है, बस तू इतना समझा दे कि वेद कहते हैं माँ एकमेवा द्वितीयम् ब्रह्म, तो वो ब्रह्म तू ही है या कोई अन्य है? वो ब्रह्म वेदों की तू ही है या कोई और है?
बस इतना मुझे बता दे, क्योंकि तेरी शक्ति को समझना तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ पाए तो कौन समझ सकता है उस शक्ति की सत्ता को। महाराज मधुर वाणी में भगवती ने अब अपने वाणी को प्रकट किया और कहा कि हे देव, मुझ में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। जो इस भेद दृष्टि से, इस अभेद बुद्धि से हमें देखते हैं, हम में वेद करते हैं, वो नरक के अधिकारी होते हैं। ना तो पुरुष में कोई भेद है, ना प्रकृति में कोई भेद है। इसी प्रकार मैं शक्ति और मेरा ब्रह्म, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार होता है ना कि कई दर्पण लगे हो तो सब में मुख अलग अलग प्रकार का दिखेगा, दिखेगा ना, क्योंकि दर्पण का आकार किस प्रकार का है उसी प्रकार आपका आकार दिखेगा। तो जिस प्रकार नाना प्रकार के दर्पण हो और मुख भी उसी प्रकार का, उसी प्रतिबिंब में उसी प्रकार का दिखता है, उसी प्रकार ये संसार एक है और इस संसार में रमा जो ब्रह्म है या ब्रह्मी है, साक्षात वो शक्ति है, वो है तो एक, लेकिन माया की दृष्टि से ये परे दिखते हैं, अलग दिखते हैं। तो महाराज इस संसार को बनाने वाली मैं हूँ, इस संसार का पालन करने वाली मैं हूँ, इस संसार को संहार करने वाली मैं हूँ। मैं ही गौरी, मैं ही ब्राह्मी, मैं ही शिवा, मैं ही रौद्री, मैं ही वाराही, और मैं ही कावेरी हूँ, मैं ही नरसिंही हूँ, मैं ही वाशनी देवी हूँ। और तो और महाराज, जल में शीतलता मैं हूँ, अग्नि में दाहकता मैं हूँ, सूर्य में तपन और चंद्रमा की शीतलता मैं हूँ। और ब्रह्मा जी, मैं तुमसे कहती हूँ कि यदि मैं हट जाऊं तो संसार अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। इसलिए जब किसी की मृत्यु हो तो कहते हैं, ये नहीं कहते कि रुद्र विहीन हो गया, ब्रह्मा विहीन हो गया, कहते हैं शक्तिहीन हो गया। और महाराज मेरे जाने के बाद ही उस जीव को मृतक की संज्ञा दी जाती है। जब तक मैं उस देह में हूँ तभी तक वो अपने कार्य को कर सकता है, और अगर मैं अडिग हो गई, मैं हट में आ गई, तो इस सृष्टि में प्रलय ला सकती हूँ। महाराज मैं ही वो शक्ति हूँ। देवी कहती है कि ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें यह महतत्व प्रदान करती हूँ, इससे अहंकार प्रकट होगा तुम्हारे साथ। इस संसार को चलाने के लिए तुम्हें एक शक्ति भी देती हूँ, यही होंगी महाशरस्वती, जो तुम्हारे साथ इस संसार का सृजन करेंगी, इस संसार को बनाएंगी। उसके बाद विष्णु जी को एक शक्ति प्रदान किया और कहा, देवताओं में आप सबसे श्रेष्ठ माने जाओगे, विष्णु सभी देवताओं के पूज्य होंगे, और मेरे द्वारा ही, मेरी शक्ति के द्वारा ही, जब जब इस धराधाम में अधर्म बढ़ेगा तो आप अपने अंशों से अवतार लेकर के उस अधर्म को काटोगे और धर्म की स्थापना करोगे। आपके सहयोग के लिए मैं आपको प्रदान करती हूँ ये महालक्ष्मी, जो बड़ी ही सुंदर स्वरूप की है, मन को मोहने वाली, और इसकी प्राप्ति के लिए सब आपके पीछे भागेंगे। वैसे तो आपके पीछे भागे ना भागे, पर लक्ष्मी के लिए जरूर भागेंगे महाराज। इसलिए कहते हैं देवी भागवत की कथा सुनने से क्या होता है, हरि की प्राप्ति होती है महाराज, भगवान का मिलन होता है, गोविंद से मिलन होता है। जब तक देवी की शरण में नहीं जाओगे तो भगवान भी नहीं मिलने वाले। तो आपके सहयोग के लिए, इस सृष्टि के पालन संचालन के लिए मैं ये सुंदर आपको महालक्ष्मी प्रदान करती हूँ। यहाँ पर एक मंत्र दिया विष्णु जी को, एम क्लीम ह्रीम का मंत्र दिया और कहा, इसे निरंतर आप जपते रहिए, आप मेरी ही शक्ति से इस सृष्टि का पालन करोगे। रुद्र को एक शक्ति दी महाकाली और कहा, इसी के द्वारा आप सृष्टि का संहार करेंगे। महाराज ये तीनों गुण होंगे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण की विद्यता होने के कारण विष्णु सबसे महान माने जाएंगे, ब्रह्मा में होगी रजोगुण की शक्ति और शिव में होगी तमोगुण की शक्ति। इसलिए कहा कि लोग कहते हैं कि मोक्ष चाहिए, अब ये बताओ, चप्पल तो छूटती नहीं है,
और मोक्ष चाहिए महाराज, मोया मोह माया में इतने फंसी हुई हो कि चप्पल भी साथ लेकर के और वहीं पर बैठ जाते हो, तो चप्पल तो छूटे नहीं हाथ से। और कहते हैं कि मोक्ष चाहिए, भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो उसको पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, उसके लिए कुछ खोना पड़ता है। और यही खोना है महाराज कि बस निरंतर उसका भजन करना, ये खोना नहीं है, इसे तो पाना कह सकते हो आप। सिर्फ आसक्तियों से दूर होना है, सिर्फ जितना मोह माया है, जितना सांसारिक प्रपंच है, उससे आप जितना दूर रहेंगे उतना आपका मन भजन में लगेगा, और जितना आप संसार में फंसेंगे, संसार में रमेंगे, उतना आप संसार में ही फंसे रह जाओगे। इसलिए खोना इतना ही है कि संसार से थोड़ी दूरी बना लीजिए और हरि से थोड़ी नजदीकी कर लीजिए। तो संसार से हम जितना विलग होंगे, अलग होंगे, उतना ही हम भगवान के पास जाएंगे, भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए ज्यादा लोगों में उठना बैठना भी नहीं करना चाहिए, इससे आप उनमें और फंसते हो आसक्तियों में। तो महाराज ये तीनों गुण ही संसार का सृजन पालन और संचालन संहार करने वाले होंगे। आप जाएं और जाकर के सृष्टि का निर्माण करें। राधे राधे। तो कहा कि सब कुछ छूट जाए लेकिन तमोगुण नहीं छूट सकता है। संसार में आप सब कुछ छोड़ सकते हो लेकिन एक चीज नहीं छोड़ सकते, और वो है निद्रा देवी महाराज। ये है तमोगुण शक्ति, और निद्रा का कोई परित्याग नहीं कर सकता है। संसार का चाहे कोई भी जीव हो, आप हर वस्तु को छोड़ सकते हो, हर वस्तु का त्याग कर सकते हो, पर जिसने निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली वही भगवान के दर्शन कर पाता है, वही सच्चा साधक बनता है। लाडली श्यामा जो रख लो हमें बरसाने, तो आश्रय ले लीजिए बरसाने वारी का, तो जीवन के जितने भी शंका है उनका समाधान अपने आप मिल जाएगा। यहाँ वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चमत्कार आपको कुछ भी नहीं दिला सकता, सिर्फ किशोरी में वो शक्ति है, राधा रानी में आप जो चाहोगे वो मिलेगा। चाहे गोविंद को मांग लो या संसार के भोगों को मांग लो महाराज, या मोक्ष को मांग लो, हर चीज को देने वाली कौन है? राधा रानी। कि लाडली श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में, श्यामा रख लो परेशानी में, श्यामा जो रख लो हमें बरसाने में, हमें बरसाने
तुझे पथ है विशाल तो रीति हूँ, पथ है विशाल मैं तो रीति हूँ, मेरी धीमी है चाल मैं तो चीती हूँ, मेरी धीमी है चाल मैं तो चीती हूँ, पथ है विशाल मैं तो रीति हूँ, चाल मैं तो रीति हूँ, मेरी धीमी है चाल मैं तो चीती हूँ, मेरी धीमी है चाल मैं तो चीती हूँ, थक न जाऊँ कहीं आने जाने में, थक न जाऊँ कहीं आने जाने, थक न जाऊं कहीं आने जाने में, थक न जाऊं कहीं आने जाने में, लाडली समझो रख लो मुझे बरसाने में, लाडली समझो रख लो मुझे बरसाने में, सुनती रहे मैं सुनाती रहूं, आप सुनती रहे मैं सुनाती रहूं, आप रूठी रहे मैं मनाती रहूं, आप रूठी रहे मैं मनाती रहूं, अच्छी गुजरेगी सुनने सुनाने में, 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 लाडली समझो रख लो मुझे भी बरसाने में, लाडली समझो रख लो मुझे बरसाने में, समझू रख लो मुझे बरसाने। बोल सच्चे दरबार की, समझो कि ताले से टल जाएगी, ये ना समझो कि ताले से टल जाएगी, ये ना समझो कि ताले से टल जाएगी,
हरिदासी तो विरहा में जल जाएगी, हरिदासी तो विरहा में जल जाएगी, ये न समझो कि ताले से टल जाएगी, न समझो कि ताले से टल जाएगी, हरिदासी तो विरहा में जल जाएगी, हरिदासी तो विरहा में जल जाएगी, लगे कितने जन्म फिर रिझाने में, 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 बरसाने में मेरा मन ही न लागे जमाने में, 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 दादी समझो रख लो मुझे बरसाने में, दादी मैया के जाके दे, पल में भरती है छोटी मैया, तू सर को झुका के दे, तुम्हारा आशीर्वाद। बोल सच्चे दरबार की, ऐसे जयकारा थोड़ी लगाना, जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की। हमारे बीच कुछ अतिथिगण पधारे हैं, कृपया व्यासपीठ तक आएंगे जिनका नाम लिया जा रहा है, और व्यासपीठ को प्रणाम करके व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान गिरधर प्रताप सिंह जी कृपया व्यासपीठ तक पधारे, जोरदार तालियां। श्रीमान राम प्रसाद तिवारी जी मंच तक पधारे, जोरदार तालियां। श्रीमान बाला प्रसाद मिश्रा जी मंच तक पधारे, जोरदार तालियां। श्रीमान सुशील तिवारी जी मंच तक पधारे, जोरदार तालियां। श्रीमान राजकरण पांडे जी व्यासपीठ तक पधारे, जोरदार तालियां। श्रीमान गोरेलाल गुप्ता जी, और श्रीमान गोरेलाल गुप्ता जी के द्वारा कल के भोजन प्रसाद के लिए 1100 रुपए की राशि दी गई है, जोरदार तालियां। श्रीमान मंगलेश्वर सिंह जी व्यासपीठ तक पधारे, जोरदार तालियां। श्रीमान ब्रजमोहन पांडे जी व्यासपीठ तक पधारे, जोरदार तालियां। श्रीमान तरुण सिंह जी सरपंच पलसऊ व्यासपीठ तक पधारे, जोरदार तालियां। श्रीमान रज्जन सिंह जी पलसऊ व्यासपीठ तक पधारे, जोरदार तालियां। और श्रीमान अशोक गुप्ता जी व्यासपीठ तक पधारे, आज के ब्राह्मण भोजन के लिए 1100 रुपए की राशि आपके द्वारा दी गई है, जोरदार तालियां इन सभी के लिए। व्यासपीठ पर सभी लोग पधारे जिनका नाम लिया गया है।
बोल सच्चे दरबार की। राधे राधे, सो गए हैं, जग रहे हैं, तैसी वो पराम्बा, ऐसी उसकी शक्ति महाराज, तीनों ही रूपों में स्वर्ग की सृष्टि करती है और तीनों ही पुरुष रूप में आकर के विसर्ग की सृष्टि करती, उपसर्ग की सृष्टि करती, ऐसी वो जगत जननी जगदम्बा। नारद जी ने उस उपाख्यान को सुना, देवी की महिमा को सुना, तो ब्रह्मा जी से कहा कि पिताश्री एक बात बताइए, उस आद्य अविनाशी शक्ति निर्गुण निराकार अव्यय ब्रह्म का स्वरूप कैसा है। मैंने कई वर्षों तक तपस्या की, कहा श्वेत द्वीप में मेरे साथ मैंने देखा कई ऋषि मुनि भी उसको प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे, तपस्या कर रहे, लेकिन क्या वो कभी किसी को दिखी? क्या उसका साकार स्वरूप भी होता है या वो सिर्फ निर्गुण निराकार है? वो ब्रह्म के क्या सबको दर्शन सुलभ है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी बात ऐसी है कि वो आदि शक्ति निर्गुण है, निराकार है, लेकिन वो सगुण भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है महाराज, वो जो चाहे वो कर सकती है। तो यदि आप साधना करके सोचेंगे कि मैं निर्गुण की उपासना कर लूं, निराकार के दर्शन कर लूं, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि निर्गुण निराकार का तो कोई अंश ही नहीं होता। वो दिखेगा कैसे महाराज? माया दिखती है? माया दिखी आज तक? माया नाम की माताएं दिखी होंगी, लेकिन जो जगत जननी की माया है वह दिखी कभी? नहीं दिखी। पर हर समय व्याप्त है, हर जीव में व्याप्त है, हर क्षण व्याप्त है, लेकिन नहीं दिखती, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं। वो हर आकार में जीव को अपनी ओर ग्रसित करती है, पकड़ती है महाराज, लेकिन फिर भी उसका कोई आकार नहीं, वो निराकार है, निर्गुण है। उसी प्रकार है आद्य शक्ति जगदम्बा, या कहें परम पुरुषोत्तम वो परमात्मा, ये दोनों ही निर्गुण निराकार हैं। तो यदि नारद जी आप इन्हें देखना चाहते हो, तो फिर आप निर्गुण निराकार की उपासना छोड़ करके सगुण साकार की उपासना करो, क्योंकि यही निर्गुण निराकार देवी पुराणों में कहने में आया है कि जब वही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तामसिक बुद्धि वाले दैत्यों का संहार नहीं कर पाए, तो यही आदि शक्ति संहार करने के लिए सगुण रूप लेकर के सृष्टि में आई। तो आप उस सगुण देवी की आराधना करिए, उस जगदम्बा की आराधना करिए। यदि जो मनुष्य सगुण है तो वो सगुण पर ही विश्वास करेगा ना, निर्गुण के पीछे तो भागेगा नहीं। जो दिखाई नहीं देखता, क्या आप उसकी माता का समझेंगे? इसीलिए पहले पुराणों में महिमा गाई जाती है कि महिमा से आप जान लीजिए कि हम जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं वो हमें भ्रमित भी कर सकता है महाराज, क्योंकि वो निर्गुण भी है, साकार भी है। तो हम जिसकी कथा सुन रहे हैं वो सगुण साकार की कथा सुन रहे हैं। वो जब इस सृष्टि में इस सगुण जीव को भगवान के अवतार को कहा ही गया है कि संसार में जीव भटक जाता है, तो लीला करने के लिए भगवान इस जीव को इस माया जाल से निकालने के लिए अवतार लेते हैं, उसी को भगवान की लीला कही जाती है। लैनम लनाति इति लीला, अर्थात जो नित्य प्रति जीव इस संसार के माया जाल में फंसा हुआ है, उसे निकालने के लिए भगवान लीला की दृष्टि से अवतार लेते हैं, तो उसी को भगवान का अवतार कहा जाता है। इसलिए भगवान की न जन्म होती न मृत्यु होती, वो सिर्फ अवतार धारण करते हैं महाराज। तो उसी प्रकार ये जगत जननी है। जब मधु कैटप का वध भगवान नहीं कर पा रहे थे, तो यही जगदम्बा ने अपनी मोहिनी स्वरूप बना करके उनको सम्मोहित किया और भगवान से उनका वध कराया। तो जब ये तीनों देव अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तो यही आदि शक्ति अवतार लेकर के सगुण रूप धारण करके इनकी सहायता करती है और यही देवी सगुण हो जाती महाराज। और किसकी कहें, साक्षात राम भी जब हारने लगे, मजबूर हो गए, विवश हो गए, तो इनकी शरण में ही गए थे। नवरात्र इसीलिए मनाते ना, एक कारण ये भी है कि 9 दिन तक राम जी ने इनकी आराधना की थी, तब कहीं जाकर के 10वें दिन
रावण का वध किया था, इसलिए विजयादशमी के रूप में हम हर वर्ष रावण का पुतला दहन करते। लेकिन बेचारे को बार बार क्यों जलाते हो? यहाँ तो हर घर में हर मन में रावण बैठा है, अपने आप को नहीं जलाते, उस बेचारे के पुतले को जलाते। उसने तो अपराध इतना ही किया कि माता जानकी का हरण किया, उसमें अपने स्वार्थ के लिए किया कि भगवान के हाथों मेरी मृत्यु होगी महाराज, तो सोच करके तो अच्छा ही किया था। लेकिन एक काम अच्छा किया था कि सिर्फ हरण किया था, जानकी को कभी स्पर्श नहीं किया था महाराज। तो यदि कहेंगे तो रावण में कहीं ना कहीं समझदारी थी, इतना ज्ञानवान पुरुष मूर्ख कैसे हो सकता है। लेकिन समाज के हर जीव में रावण है, अपने आप को दहन नहीं करते, अपने आप को खत्म नहीं करते, उस रावण के पुतले को हर बार बेचारे को जलाते रहते महाराज। तो विजयादशमी का अर्थ होता है कि हमारे अंदर बैठे अहंकार रूपी रावण को जिस दिन हमने जला दिया, उस दिन समझना कि दशमी का पर्व हमारे लिए सार्थक हो गया। अब स्वयं के अंदर रावण है और हम उस पुतले को जला रहे हैं महाराज, स्वयं के अंदर अहंकार बैठे। रावण क्या है? अहंकार का ही प्रतीक है। राम ने इसीलिए उसे मारा है, छोड़ा नहीं है, क्योंकि अहंकार को मारा जाता है, काटा जाता है, उसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है। बढ़ा देंगे तो वो विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो यहाँ पर राम भी जब असहाय हो गए, अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, तो माता जानकी क्या है? आदि शक्ति ही तो है महाराज। आदि शक्ति को लगा अब राम क्यों अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि रावण के अंदर भी वही शक्ति बैठी है, राम के अंदर भी वही शक्ति बैठी है। तो राम यदि उपासना करेंगे तो रावण भी तो करता है महाराज, तो दोनों के अनुकूल तो देवी को चलना पड़ेगा ना। इसलिए माता जानकी ने सोचा कि जब तक मैं रावण के हृदय में रहूंगी तब तक राम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए उपाय किया। राम ने 9 दिनों तक 108 कमल पुष्पों से देवी की आराधना की थी। और जब एक दिन ऐसा हुआ, 9वें दिवस ऐसा हुआ कि रावण ने एक चतुराई कर दी, और जब राम 108 कमल पुष्पों से देवी का पुष्पार्चन कर रहे थे तो एक कमल वहां से पुष्प गायब कर दिया महाराज। अब कमल का पुष्प नहीं तो राम जी क्या करें? अनुष्ठान में बैठा हुआ व्यक्ति पूर्ण अनुष्ठान के उपरांत उठ नहीं सकता है, अब उठ करके तो मैं जा नहीं सकता, अब क्या करूं महाराज? तो राम जी ने कहा कि कोई बात नहीं, लोग हमारे चरणों को भी तो चरण कमल कहते हैं, हाथों को भी तो हस्त कमल कहते हैं, तो चरण में तो दे नहीं सकता, हस्त तो दे नहीं सकता, लेकिन नेत्रों को भी मेरे नेत्र कमल कहा जाता है महाराज, तो दो नेत्र हैं, एक यदि देवी को दे दूं तो एक से मेरा काम चल जाएगा। तो राम ने अपने नेत्रों को निकाल करके भगवती को समर्पित किया और देवी साक्षात वहीं पर प्रकट हो गई और राम को आशीर्वाद दिया कि रावण ऐसे नहीं मरेगा, क्योंकि रावण के जो सुधा सरोवर है उसमें मैं स्वयं वास करती हूँ। और रावण को कब मार पाओगे आप? जब सायंकालीन होता है तो उस समय मैं वहां से चली जाती हूँ, इसलिए रावण को मारना सिर्फ संधि काल में। तो महाराज देवी की आराधना के उपरांत ही उस शक्ति के बिना तो राम भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यदि सीता ना आती, शक्ति ना आती, तो शायद रावण का उद्धार भी ना हो पाता, राम अकेले इस कार्य को ना कर पाते। तो देवी के वरदान के उपरांत राम ने 9 दिनों तक इनका अनुष्ठान किया, आराधना की, और 10वें दिन रावण को मार करके विजय श्री प्राप्त की थी महाराज। तो इस देवी की महिमा का कहां तक वर्णन करूं, ये तीनों गुणों में विद्यमान है, इसके तीनों गुण स्वरूप है महाराज। नारद कहते हैं कि प्रभु अब इन तीन गुणों को भी बता दो कि किस प्रकार तीन गुणों में देवी इस संसार का संचालन पालन और सृष्टि को बनाती है महाराज। तो कहा तीन गुण हैं, सात्विक राजस और तामस। एक है ज्ञान शक्ति, दूसरी है क्रिया शक्ति और तीसरा है अर्थ शक्ति। तो जो सात्विक अहंकार है वो क्रिया शक्ति से संबंधित है, जो राजसिक अहंकार है वो जो सात्विक अहंकार है उसका संबंध ज्ञान शक्ति से,
जो राजसिक अहंकार है उसका संबंध क्रिया शक्ति से, और जो तामसिक अहंकार है उसका संबंध है अर्थ शक्ति से। अब जो राजसिक शक्ति होती है इससे पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां और पंच प्राण का उद्गम होता है, उद्भव होता है महाराज। और यहीं पर जो तामसिक अहंकार है इससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। सात्विक अहंकार से इनके देवताओं की उत्पत्ति होती है। और जब ये तीनों शक्ति आपस में मिलती है तभी ये संसार का पालन संचालन और संहार करती है। जिस प्रकार दीपक होता है तो दीपक में तीन चीजें होती है, बाती होती है, तेल होता है और अग्नि होती है। यदि ये तीनों ना हो तो शायद प्रकाश ना हो पाए मारा है। तो तेल और अग्नि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत, लेकिन जब वो बत्ती के साथ मिल जाते हैं तो प्रकाश फैला देते हैं, लोगों को प्रकाश प्रदान कर देते। उसी प्रकार ये तीनों शक्तियां भी आपस में एक दूसरे की विरुद्धाधर्मी है, एक दूसरे की विरोधी है, लेकिन जब तक ये तीनों शक्तियां नहीं मिलेंगी तब तक इस संसार का संचालन हो नहीं सकता। इसलिए नारद जी ने जो प्रसंग व्यास जी को सुनाया वही प्रसंग व्यास जी ने जनमेजय जी को सुनाया और कहा कि जनमेजय तुम उसी शक्ति की आराधना करो जिसकी कृपा से धनवान निर्धन भी धनी हो जाता है और मूर्ख भी ज्ञानवान हो जाता है महाराज, मूर्ख भी पंडित बन जाता है। जनमेजय कहते हैं कि प्रभु यह बात तो बड़ी अटपटी लगी महाराज, निर्धन धनी हो जाता है यह बात समझ में आ गई, लेकिन मूर्ख कैसे ज्ञानवान हो जाएगा, मूर्ख को कैसे ज्ञान मिल जाएगा। तो व्यास जी कहते हैं कि आपकी शंका का मैं समाधान कर देता हूं। एक ब्राह्मण देवता का प्रसंग सुनाता हूं, नाम था सत्यव्रत, बड़ा ही निराक्षर और मूर्ख ब्राह्मण था महाराज, जन्म लिया था तो ये बड़ा ही मूर्ख था, लेकिन देवी का मंत्र एम का उच्चारण करने से वो महान विद्वान बन गया और उस समान कोई विद्वान नहीं हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण हुए, कौशल देश के राजा बने। अब इन्होंने यज्ञ करवाया, इनके कोई संतान नहीं थी तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ में जब आहुतियां डाली जा रही थी तो त्वरित स्वरित गति से मंत्रोच्चारण किया जा रहा था। अब महाराज कभी कभी क्या होता है मंत्र, अब जैसे हम बीच में सांस लेने लगे तो आप ऐसे देखने लगते हो, वैसे ही अब ब्राह्मण एक साथ मंत्र पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत तो सांस लेंगे ना महाराज। अब सांस लेने से क्या होता था, स्वर भंग होता था। तो देवदत्त को आ गया क्रोध, किस पर, गोमिल ऋषि पर। बड़े ही क्रोध में आकर के कहा कि तुम बड़े ही मूर्ख हो ऋषि, गोमिल ऋषि आप बड़े ही मूर्ख हो, धूर तो आपके इस तरह उच्चारण करने से आपको पता है कि इसमें सकाम यज्ञ का श्रेष्ठ फल नहीं प्राप्त होता है। जिस प्रकार आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो इससे सकाम यज्ञ का श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होगा। गोमिल ऋषि को भी क्रोध आया, भरी सभा में इतनी प्रजा बैठी हुई है, इतना बड़ा यज्ञ और इस प्रकार मेरी निंदा कर दी, मेरी बुराई कर दी, उपहास कर दिया, मुझे ऐसे कटु वचन बोले, इसलिए गोमिल ऋषि भी क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुझे पुत्र तो होगा लेकिन बड़ा ही मूर्ख होगा, इतना मूर्ख होगा कि समाज में तेरी बदनामी कराएगा। अब महाराज देवदत्त को समझ आई कि मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, क्षमा मांगने लगा कि प्रभु क्षमा कर दो मुझसे गलती हो गई, ऐसे संतान को लेकर के क्या करूं जो मूर्ख रहेगा। तो गोमिल ऋषि को भी दया आई, उन्होंने वरदान दिया कि पुत्र जन्म से तो मूर्ख होगा लेकिन देवी की आराधना से उनके मंत्र के द्वारा ये जग में प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण बनेगा। महाराज यज्ञ संपन्न हुआ, इनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसी बालक का जन्म हुआ रोहिणी नक्षत्र में। उस पुत्र का नामकरण किया गया उत्तथ्य। ये बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा लेकिन इसका जनेऊ संस्कार करवाया
इसको कोई ज्ञान नहीं। जनेऊ का क्या अर्थ होता है ये भी नहीं जानता था। नित्य कर्म करना नहीं जानता था, संध्या वंदन करना नहीं जानता, जो ब्राह्मण का कर्म होता है, कुछ भी इसे ज्ञान नहीं था। तो इसके परिवारी जनों ने भी इसे त्याग दिया महाराज। अब सोचिए, यदि बालक मूर्ख हो गया, किसी काम का नहीं है, आपके लिए धन कमा करके नहीं ला सकता, तो माता पिता ने उसका भी त्याग कर दिया। यही कह रही है देवी भागवती की ये कथा। उस बालक को माता पिता ने भी त्याग दिया कि संसार में ऐसे पुत्र को लेकर के क्या करें जो समाज में हमारी निंदा कराए, बदनामी कराए। ऐसे मूर्ख पुत्र से अच्छा है कि हम बिना पुत्र के ही रहते। उसका परित्याग कर दिया। वो बालक भी सोचने लगा कि अब मेरा संसार में कोई नहीं, इसलिए वन में चला गया, एक कुटिया बनाई, वही रहने लगा। और मन में कभी कभी विचार आता कि मेरा जीवन कैसा है, जिस प्रकार रूपवती गुणवती नारी हो लेकिन वंध्या हो महाराज, तो उसका कोई महत्व संसार में नहीं है। कहते हैं बहुत बड़ा वृक्ष हो लेकिन अगर उसमें फल ना आए तो उस वृक्ष की कोई कीमत नहीं है। उसी प्रकार यदि ब्राह्मण ज्ञानवान ना हो, विद्वान ना हो, तो उसकी भी कोई कीमत नहीं है समाज में। कभी कभी मन में यह विचार आता था। एक दिन क्या हुआ कि एक सुअर जो था वो घायल अवस्था में इनके सामने से, इनकी जब ये बैठे हुए थे अपनी कुटिया के सामने, तो सामने से गुजर करके गया भागता हुआ, खून से लथपथ महाराज, और जा करके इनकी कुटिया के पीछे छिप गया। वहीं पर एक शिकारी आया, निषाद था। उसने कहा चूंकि ये जो उतत्थ थे ये सदैव सत्य का पालन करते थे, इसलिए सत्य के परिणामता ही ये हमेशा सत्य बोला करते थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम ही सत्यव्रत रख दिया था। ये सदैव सत्य ही बोला करते थे। अब इस निषाद को भी ये बात पता थी कि ये सत्य ही बोलते हैं, तो ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, इन्होंने सत्य का संकल्प लिया। तो उस निषाद ने आकर के कहा कि भगवान मेरा परिवार क्षुधा से प्रताड़ित है, आप बताएं कि मेरा शिकार गया कहाँ है। मुझे पता है कि आप सत्य का पालन करने वाले हैं, तो आप झूठ तो बोलेंगे नहीं। अब इनके सामने बड़ी समस्या हो गई। ये मन में विचार करने लगे कि यदि सत्य बोलता हूँ तो जीव की हत्या हो जाएगी, और झूठ बोलूं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा महाराज, और इसके परिवार पर क्षुधा प्रताड़ित कर रही, भूख प्रताड़ित कर रही है, तो कहीं मुझे इसका भी पाप ना लग जाए कि इसके परिवार में भी कोई चल बसे, तो अब मैं करूं तो करूं क्या। तो यहाँ पर व्यास जी ने ये प्रश्न किया, किससे ये कथा व्यास जी ने सुनी थी, लोमस ऋषि जी के मुख से, जब जमदग्नि जी ने लोमस ऋषि से पूछा था देवी की महिमा को, तब ये कथा लोमस ऋषि ने सुनाई थी महाराज। तो आज व्यास जी ने पूछा लोमस ऋषि से कि भगवान जब वो ब्राह्मण बालक इतना मूर्ख था तो उसके मन में इतने ज्ञानवान विचार आए कैसे। ये तो कोई पढ़े लिखे के विचार हो सकते हैं कि यदि मैं सत्य बोलता हूँ तो जीव की हत्या होती है, मुझे पाप लगेगा, यदि झूठ बोलूं तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, अब मैं करूं तो करूं क्या। तो लोमस ऋषि ने कहा कि महाराज जब वो सुअर उसके सामने से गुजर करके गया तो उस ब्राह्मण बालक के मुख से सिर्फ एम एम शब्द का उच्चारण हो गया, और ये एम शब्द क्या था, देवी का शाराश्वत बीज मंत्र होता है। सिर्फ इतना उच्चारित करने से ही उस आदि शक्ति ने उनके बुद्धि में ज्ञान का भंडार भर दिया, और ये विचार तब आया उस ब्राह्मण बालक के मन में महाराज। जैसे ही देखा तो अब धर्म संकट में पड़ गए, इसलिए कहा है शास्त्रों में कि सत्यम न सत्यम खलु यात्र हिंसा दयान्वितम चान्नतमेव सत्यम। कहा कि सत्य वह नहीं है जिसमें हिंसा हो, जिसमें किसी के प्राणों की रक्षा हो रही हो, उस झूठ को बोलने में भी पाप नहीं लगता है महाराज। इसलिए कहा कि या पश्यन्ति न सा ब्रूते सान पश्यति अहो व्याध स्वकायार्थिम किं प्रच्छसि पुनः पुनः।
कि हे किरात हे शिकार, किसे पूछ रहे हो तुम? जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है वो देख नहीं सकता। तो महाराज जी एक कथा सुनाया करते थे ना कि एक व्यक्ति था, उसे भूख लगी, सामने एक पेड़ था, आम के फल लगे हुए थे, बगीचा था, उसका माली था, थोड़ी दूर था। उसने सोचा कि अपनी क्षुधा को तृप्त कर लूँ, आम के फल तोड़ करके पा लेता हूँ महाराज। अब वो बेचारा चल करके गया, आम तोड़ करके उसने पाए, और पाए तो माली ने आए और दो चार लगाए। फिर तो उसने रोते हुए कहा कि बताओ, गलती किसी और की, सहना किसी और को पड़ रहा, किसकी गलती? देखा किसने? नेत्रों ने। भूख किसे लगी थी? पेट को। रस किसने लिया? मुख ने, जिह्वा ने आनंद लिया। क्षुधा किसकी बुझी? पेट की। चल करके कौन गया? पैर गए। तोड़ा किसने? हाथों ने महाराज। और मार किसने खाई? बेचारे पीठ ने, जिसका कोई दोष नहीं। तो ऐसी ऐसी विडंबना है। तो कहा कि किससे पूछ रहे हो? जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। वो निषाद भी समझ गया कि महाराज कहना क्या चाह रहे हैं, अर्थात नेत्रों ने देखा है वो बोल नहीं सकते, और वाणी ने देखा नहीं है वो बोल सकती है। तो महाराज अब बताओ किससे पूछ रहे हो तुम? तो यहाँ पर सत्य से भी चूक नहीं हुई और झूठ भी मुख से नहीं निकला। इस प्रकार एक देवी के सारास्वत उस बीज मंत्र से महाराज वो उतत्थे ब्राह्मण का जीवन बदल गया। सारे संसार में उनकी प्रसिद्धि हो गई कि सत्यव्रत जैसा कोई सत्य बोलने वाला और विद्वान ब्राह्मण नहीं है। आज जब नाम हुआ तो गैर भी अपने हो जाते हैं, फिर माता पिता कैसे न हो। माता पिता भी मना करके ले गए महाराज। जब आपका नाम होता है तो दूर के रिश्ते भी अपने सगे हो जाते हैं, और जब आप बदनाम होते हैं तो आपके अपने भी आपको छोड़ जाते हैं। यही समाज की रीति है, यही संसार की पद्धति है, नियम है महाराज। इसलिए हे राजन, सब दुविधाओं को छोड़ करके सिर्फ आप भगवती का यज्ञ आरंभ कीजिए महाराज। तो यहाँ पर पूछा कि यज्ञ मैं करूं कैसे महाराज, ये होता कितने प्रकार से है? तो बताया कि यज्ञ होता है तीन प्रकार का, सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। मुनि महात्मा तथा संत स्वभाव वालों के लिए सात्विक यज्ञ होता है, राजाओं के लिए राजसी यज्ञ होता है, और दैत्य राक्षसों के लिए तामसिक यज्ञ होता है। कहते हैं कि कर्ता का मन शुद्ध होना चाहिए, द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, क्रिया शुद्ध होनी चाहिए और मंत्र शुद्ध होना चाहिए, वही यज्ञ फलीभूत होता है। नहीं तो यज्ञ तो पांडवों ने भी किया था, राजसु यज्ञ, लेकिन परिणाम क्या हुआ महाराज? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, और ऐसी ऐसी समस्या आई कि यदि कन्हैया ना आते तो शायद ये नैया भी पार ना लगती। तो यज्ञ तो पांडवों ने भी किया था, लेकिन जहां पर द्रव्य शुद्ध नहीं है, कर्ता का मन शुद्ध नहीं है, मंत्र शुद्ध नहीं, वहां पर यज्ञ कभी फलीभूत नहीं होता। इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही यज्ञ करना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्यता नहीं है तो आप बिल्कुल यज्ञ ना करें, सूक्ष्म रूप से साधारण कथा सुन लें, उतना ही आपको उससे लाभ होता है महाराज। और वही यज्ञ दशरथ महाराज ने भी करवाया, तो एक नहीं चार चार संतानों की प्राप्ति हो गई थी। तो यहाँ पर चार चीजों की शुद्धि से ही यज्ञ सफल होता है। तीन प्रकार के यज्ञ होते हैं महाराज। और तुम जनमेजय वो यज्ञ करो जो साक्षात विष्णु ने किया था देवी को प्रसन्न करने के लिए, और उस यज्ञ के परिणाम तय ही देवी ने विष्णु को सबसे पहले जग में प्रसिद्धि की उपाधि दी थी महाराज। तो विष्णु को ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा कि उनको भी अम्बा का यज्ञ करना पड़ा महाराज? बोले जब देवी ने इन्हें दर्शन दिया, अपने लोक के दर्शन कराए और तीनों को संसार के संचालन का कार्य दिया महाराज, तो विष्णु जी अपने लोक में चले गए, ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए, शिव जी अपने लोक में चले गए। इधर देवताओं और दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। अब जो
देवता थे वो मारे मारे फिरने लगे, तो भगवान ने समुद्र मंथन कराया और देवताओं को अमृत पान करा दिया, देवताओं को अभय दे दिया और भगवान अपने लोक में चले गए। जाकर के इनके मन में विचार आया कि हम अम्बा देवी को प्रसन्न करने के लिए, आज मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है, इसलिए उस जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए मैं यज्ञ करूंगा। और विष्णु ने यज्ञ किया। यज्ञ में जैसे ही आहुति डाली तो आकाशवाणी हुई कि विष्णु तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारे इस सत्कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जगत में तुम सर्वप्रथम सबसे महान देव माने जाओगे और समस्त देवों का कार्य तुमसे ही श्रेष्ठ सिद्ध होगा महाराज। इस प्रकार देवी ने उन्हें उन पर कृपा की और देवी वहां से चली गई। राजा जनमेजय कहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, ये बताइए कि आपने इस यज्ञ का विस्तार से वर्णन किया, भगवती की ऐसी क्या महिमा है, मैं ये जानने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि ऐसी भगवान भगवती की क्या महिमा है जिस पर देवता भी रीझ जाते हैं और देवताओं पर ये देवी कृपा कर देती है, तो ऐसी क्या है इनमें महिमा, इनमें कृपा महाराज। तो व्यास जी महाराज ने इनकी दयालुता की, इनकी दया की, इसीलिए कहा है ना, इनको दया रूपेण कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, अर्थात दया की कृपा की ये मूर्ति है। व्यास जी महाराज एक कथा बताते हैं कि एक राजा हुए ध्रुव संधि राजा, इनकी दो पत्नियां थी, एक मनोरमा और एक शशिकला, दोनों के एक एक पुत्र थे। बड़ी रानी मनोरमा के एक पुत्र हुए सुदर्शन जी और छोटी रानी शशिकला से एक पुत्र हुए शत्रुजीत जी। अब इन दोनों, ये दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे, दोनों बालकों से अपने इन्हें बड़ा प्रेम था। एक दिन राजा शिकार के लिए चले गए जंगल में। अब शिकार के लिए जब ये जंगल में गए तो एक सिंह ने इन पर आक्रमण कर दिया। राजा भी बड़े होशियार शिकारी थे, बाण चलाया महाराज, लेकिन फिर भी सिंह के नखों से, उसके प्रहार से राजा अपने आप को बचा नहीं पाए। सेना ने सिंह को तो मार दिया लेकिन राजा को भी बचा नहीं सकी। अयोध्या लौट कर के आए, उनका अंतिम संस्कार किया गया। अब फैसले की घड़ी ये आई कि राजगद्दी का उत्तराधिकारी कौन बने। तो यदि देखा जाए नैतिक दृष्टि से तो जो बड़ा बालक है वही इसका उत्तराधिकारी होता है, तो सुदर्शन को ही राजगद्दी पर बिठाना चाहिए। लेकिन जो छोटी रानी थी शशिकला, जो छोटी रानी थी इनकी लीलावती, इनके पिता ये उज्जैन की थी, इनके पिता थे युधाजीत जी, इन्होंने आ करके रोक दिया कि रुक जाओ, ऐसे कैसे राज तिलक हो सकता है बड़े बेटे का। भले ये आयु में बड़ा है इससे, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वही राज्य का अधिकारी होता है, इसलिए महाराज ये तो राजा बन नहीं सकता। उसी समय जो बड़ी रानी मनोरमा थी उनके पिता भी आ गए, वीरसेन जी कलिंग देश के राजा थे, वो भी उपस्थित हो गए। अब दोनों में यही आपस में टकराव हो गया महाराज। वो कहते मेरा दोहित्र बनेगा राजा, वो कहते मेरा दोहित्र बनेगा। अब झगड़ा आरंभ हो गया और झगड़े में ये स्थिति बनी कि मनोरमा के पिता वीर सेन वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। मनोरमा को जब ये सूचना मिली तो मनोरमा का मन भी दहल उठा महाराज कि अब शायद ध्रुव संधि के मन में लालच आ गया। और कहते हैं जिसके मन में लोभ हो, काम हो, क्रोध हो, वो व्यक्ति कोई भी अधर्म करने से, पाप करने से अपने आप को नहीं रोक सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुझे और मेरे बालक को भी नहीं छोड़ेगा, तो मुझे ये राजगद्दी नहीं चाहिए, ये राज्य नहीं चाहिए, मुझे मेरा अपना बालक सुरक्षित चाहिए। मंत्री विद्दल से सलाह ली तो मंत्री ने कहा कि देवी बात तो आप सही कह रही हैं, रानी आप बात तो सही कह रही, इसलिए ऐसा करना चाहिए कि आप अपने पिता के अंतिम संस्कार के बहाने इस राज्य को छोड़ दीजिए और आप मेरे साथ यहाँ से प्रस्थान करिए। मंत्री के साथ रात्रि में ही मनोरमा ने अपने बालक को उठाया और वहां से लेकर के दासी के साथ रात तो रात पहुंच गई कहाँ, भरद्वाज जी के आश्रम में।
मार्ग में इनके सारे आभूषणों को, सारे रथ को, सारी सामग्री को चोरों ने लूट लिया। पैदल ही ये सब पहुंच गए भरद्वाज जी के आश्रम में। उनसे जाकर के सारी बात बताई तो भरद्वाज जी ने इन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। अब महाराज उधर ध्रुव संधि को ये बात पता चली, जब लौट करके आए तो पता चली कि दोनों भाग गए हैं घर से, तो अपने दौहित्र को, अपने नाती को बना दिया उत्तराधिकारी राजा और स्वयं इनकी खोज करने लगा। बहुत समय बीतने के बाद इसे पता चला कि मनोरमा और उसका पुत्र दोनों भरद्वाज जी के आश्रम में छुपे हुए हैं। तो ये सीधे पहुंच गया भरद्वाज जी के आश्रम में। उधर रानी मनोरमा को भी पता चला कि ध्रुव संधि आ रहे हैं मेरे बालक को और मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो मुनिवर के चरणों में जाकर के गिर गई और कहा, प्रभु अब आप ही मेरे रक्षक हैं, आदि शक्ति मुझ पर कृपा करें और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे बालक के प्राणों को बचा लो। उधर ध्रुव संधि आए, भरद्वाज जी उनसे मिलने गए, समझाया कि राजन जब उस रानी को कुछ नहीं चाहिए तो तुम ये बैर भाव त्याग दो और लौट करके निर्मल मन से घर चले जाओ, इनका पीछा छोड़ दो। लेकिन ध्रुव संधि ने कहा कि महाराज यदि आपने इस रानी को और इसके बालक को प्रेम से मुझे समर्पित नहीं किया तो मैं बलात् खींच करके ले जाऊंगा और इनका वध कर दूंगा। तो भरद्वाज जी ने कहा कि वशिष्ठ जी के आश्रम से विश्वामित्र जी भी गौ को खींच करके ले गए थे, तो उसकी क्या दशा हुई थी एक बार ये भी सोच लेना, कि ऋषि के अपमान का दंड क्या होता है ये भी जान लेना। ध्रुव संधि भी आश्चर्यचकित रह गए, आकर के अपनी मंत्री को, अपने सभाजनों को बताया, तो जो मुख्य प्रधानमंत्री थे उन्होंने निर्देश दिया, आदेश दिया कि महाराज हठात से कार्य करने से बात बिगड़ सकती है और आपको शायद महाराज ने जो दो शब्द कहे हैं वो मैं आपको सारांश से बता दूं, विस्तार से बता दूं कि एक बार विश्वामित्र भी समस्त राज्यों पर विजय श्री प्राप्त करते हुए पहुंचे कहां, वशिष्ठ जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी ने कहा कि आइए मैं आपका स्वागत करता हूं, भोजन प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं, महाराज मैं अकेले नहीं हूँ, पूरी सेना है मेरे साथ, कोई बात नहीं, व्यवस्था सबकी हो जाएगी, जो जो पाना चाहे वो पा सकता है। महाराज ने देखा कि ऐसी व्यवस्था तो राजा महाराजा भी नहीं कर सकते, महाराज सबकी इच्छा अनुसार उन्हें भोग प्रसाद पवाया जा रहा, एक मुनि ये कार्य कर रहा है कहां, जंगल में, तो ये किसका प्रताप है, पूछा तो पता चला कि कामधेनु गाय है महाराज के पास और वो ऐसी गाय है कि जो उससे मांगेंगे वही प्राप्त होगा महाराज। अब विश्वामित्र जी के मन में लोभ आ गया, लालच आ गया, कहा मुझे ये गाय आप दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया कि हम ऋषि मुनि हैं, इसी से हमारी जीविका चलती है महाराज, हम ये गाय नहीं दे सकते, क्षमा करिए। विश्वामित्र जी को क्रोध आया, उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस गाय को खींच करके ले चलो। महाराज जैसे ही वशिष्ठ जी ने उस गाय से कहा कि मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन तुझे जबरदस्ती लेकर के जा रहे हैं, तो उस गाय के शरीर से इतने वीर, इतने योद्धा प्रकट हुए कि विश्वामित्र की पूरी सेना का विध्वंस कर डाला, अकेले विश्वामित्र बचे और भाग करके अपने प्राणों को बचाया। तो महाराज कहीं ऐसा ही ना हो जाए, इन संतों से अकारण व्यर्थ का बैर लेना उचित नहीं है, इसलिए इनको प्रणाम करिए और यहां से चलिए। ध्रुव संधि वहां से चले गए, मनोरमा भी निश्चिंत होकर के निवास करने लगी। एक दिन यही सुदर्शन बालक अपने मंत्री की गोद में, विद्दल की गोद में बैठा था, तो बालकों ने कहा, ऋषि बालकों ने उसे देख करके कहा कि किस क्लीव की गोद में बैठा हुआ है। अब महाराज ये बालक स्वभाव था, छोटा सा बालक था, इसने सिर्फ क्लीम शब्द को धारण कर लिया और बाकी भूल गया। अब इस क्लीम का यह नित्य प्रति उच्चारण करने लगा, इसे ये बात पता नहीं थी कि ये भगवती का बांग बीज मंत्र है जो धीरे धीरे इस बालक के जपने से सिद्ध हो गया। महाराज 11 वर्ष की अवस्था में ही आदि शक्ति ने इस मंत्र के जपने से ही इसे सुंदर स्वरूप में दर्शन दिया और दर्शन दे करके आशीर्वाद दिया, जिसे देख करके सुदर्शन प्रसन्न हो गए, इनका शरीर रोमांचित हो गया, स्तुति करने लगे और
हाथ जोड़ करके देवी के सामने खड़े हो गए। देवी वहीं पर प्रकट हुई, आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। अब जो सुदर्शन था वो देवी के दर्शन से और इस मंत्र के परिणाम था सर्व विद्या सर्व गुण संपन्न हो गया, उसी आश्रम में रहने लगा, उसका जगह जगह प्रचार हो गया महाराज, ऐसा नाम उसका फैला कि सुदर्शन जैसा राजा नहीं, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसी सुंदर गुण है उसमें, ऐसा गुण का खजाना। यही बात सुन ली किसने, काशी नरेश सुबाहु की कन्या शशिकला ने महाराज, और उन पर हो गई मोहित। अब मन तो लगा ही था उनके गुणशील को सुनकर के, मन तो राजा में लगा था। इधर देवी ने भी स्वप्न में आशीर्वाद दे दिया कि शशिकला तुम्हारे मनोरथ सिद्ध होंगे और सुदर्शन ही तुम्हें पति के रूप में मिलेगा, तुम उसी का वरण करना। महाराज ये बड़ी प्रसन्न होकर के प्रातः उपवन में गई और उपवन में एक ब्राह्मण देवता इन्हें मिले, उसी उपवन की ओर जहाँ वो सुदर्शन रहा करते थे। तो उस ब्राह्मण देवता ने भी इन्हें आशीर्वाद दे दिया। जब इन्होंने पूछा कि इस वन में ऐसे देखने वाली कौन सी वस्तु है जिसको हम दर्शन कर सके, बोले इस समय तो एक ही है, अयोध्या के राजा रुसंधि के पुत्र राजा सुदर्शन महाराज। अब तो उसके मन में और भी इच्छा होने लगी राजा के दर्शन के लिए। यहीं पर ब्राह्मण देवता ने भी इन्हें आशीर्वाद दे दिया कि तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी, मानो कंचन और कामनी की जोड़ी, तुम्हारे योग्य वही पुरुष है देखने के लिए, जाओ और जाकर के उसका वरण करो। महाराज इन्होंने भी इन्हें आशीर्वाद दे दिया। अब जैसे ही देवी ने आशीर्वाद दिया तो क्या हुआ, सुदर्शन को भी निषाद राज ने एक घोड़ा दे दिया, एक रथ दे दिया, ये इस पर सवार होकर के निकले। तो संतों ने भी इन्हें आशीर्वाद दे दिया कि सदैव आप विजयी हो, भगवती की कृपा आप पर बनी रहे और जल्द ही आप अयोध्या के नरेश बनेंगे। उधर राजा सुबाहु के मन में विचार आया कि हमारी कन्या अब बड़ी हो गई तो इसका ब्याह कर देना चाहिए, तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होते हैं तीन प्रकार के, पहला है इच्छा स्वयंवर, दूसरा है प्रण स्वयंवर और तीसरा होता है शौर्य स्वयंवर। इच्छा स्वयंवर में ऐसा नियम होता है कि कन्या अपने अनुसार वर की प्राप्ति करती है, वो जिसे पसंद करेगी उसी से उसका विवाह होगा। दूसरा होता है प्रण स्वयंवर, जिसमें कोई प्रण रखा जाता है, जिस प्रकार जनक महाराज ने प्रण रखा था कि जो इस धनुष को उठाएगा, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, वही जानकी का वरण करेगा। और तीसरा होता है शौर्य स्वयंवर, इसमें जो अपने शौर्य का प्रदर्शन करके दिखाएगा वही कन्या को लेकर के जाएगा, जिस प्रकार नग्न जित राजा ने रखा था कि नग्न जिती को वही प्राप्त कर सकता है जो एक साथ सात बैलों को नथ देगा। तो भगवान कृष्ण ने द्वारिकाधीश ने नथा और नग्न जीती को लेकर के चले गए महाराज। तो यहाँ पर इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया गया, दूर दराज से राजाओं को बुलाया गया, इसमें युधाजीत भी आए थे अपने दौहित्र शत्रुजीत को लेकर के, मानो यही वरण करके ले जाएंगे उस कन्या का। अब यहाँ पर राजा ने रानी से कहा कि जाओ और जा करके कन्या शशिकला को कह दो कि स्वयंवर की तैयारियां हो चुकी, वो अपना पति चुनने की तैयारी करे। कन्या ने साफ मना कर दिया कि मैंने तो पहले ही वरण कर लिया है सुदर्शन का, इसलिए मैं कोई स्वयंवर का आयोजन करवाना ही नहीं चाहती, मैं तो पहले ही सुदर्शन का वरण कर चुकी हूँ। माता ने कई प्रकार से समझाया कि वन में विचरण करने वाला किसी प्रकार से वो तेरे योग्य नहीं है, इसलिए तू हमारी बात मान ले और इस स्वयंवर में चली जा, लेकिन वो नहीं मानी। एक ब्राह्मण से पत्र लिखवा करके भेज दिया, ब्राह्मण को भेजा जाओ और जाकर के सुदर्शन को ये पत्र दे दो, उसमें लिख दिया महाराज कि मैं ब्याह तो आपसे ही करूंगी और यदि आपसे ब्याह नहीं हुआ तो अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन अन्यत्र किसी से मैं ब्याह नहीं करूंगी और साक्षात देवी ने भी मुझे ये आदेश दिया है, इसलिए ब्याह तो मैं आपसे ही करूँगी।
सुदर्शन भी आने की तैयारी करने लगे। इनकी माता घबरा गई और कहा कि बालक तुझे तो पता है हम असहाय हैं, हमारे पास कोई सेना नहीं है, कोई मंत्री नहीं, कुछ भी नहीं। तू जाएगा वहां तेरे शत्रु युधाजीत भी बैठे हुए हैं, साथ में तेरा भाई शत्रुजीत भी तुझे मारने का प्रयास कर रहा है। यदि तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, क्या मेरे पास बचेगा, इसलिए तू इस वन में ही रहे, हम इस वन में रहते ही अपने जीवन को व्यतीत कर देंगे, हमें किसी वस्तु की कामना नहीं, इच्छा नहीं। तो सुदर्शन कहते हैं महाराज कि होई है वही जो राम राची राखा, होई है वही जो राम राची राखा, होई चिंता क्यों करती है, होना तो वही है जो राम ने लिख दिया, विधि के विधान ने लिख दिया। भरी सेना में मेरे पिता की जब मृत्यु आई तो क्या काल उसे रोक पाया, नहीं रोक पाया, काल की गति थी, मेरे पिता भी चले गए। राम का जहां राज्य अभिषेक होना था, क्या किसी को पता था कि उस राज्य अभिषेक की घड़ी में महाराज उस वन का प्रकरण बन जाएगा, वो वन का दृश्य उपस्थित हो जाएगा। तो मैया जो विधि के विधान में है, होना तो वही है, और मैं अपने आदेश नहीं भगवती के आदेश से जा रहा हूँ, इसलिए मेरे साथ माना कि कोई नहीं है, लेकिन देवी का आशीर्वाद है मेरे साथ और मैं मानता हूँ कि वो मेरे प्राणों की रक्षा अवश्य करेगी। माँ से भी नहीं रहा गया तो दासी के साथ सुदर्शन के साथ ही रथ में सवार हो गई। तीनों पहुंच गए काशी नगरी सुबाहु के राज में। राजा सुबाहु ने इनका सुंदर स्वागत किया, समस्त राजाओं को अपना अपना स्थान दिया, सब वहीं पर उपस्थित थे। सुदर्शन को देख करके एक दूसरे से कहने लगे कि ये कैसा राजा है, न इसके पास कोई सेना है, न मंत्री है, ना रथ है, ना घोड़े है, महाराज ऐसे ही चला है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, और इसे इतना भी ज्ञात नहीं कि इसका सबसे बड़ा शत्रु युधाजीत तो यहीं पर बैठा हुआ है, फिर भी चला आया। पर इनको क्या पता कि सबसे बड़ी तो हरि की कृपा होती है महाराज, उससे बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो तेरी माया का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। इधर राजाओं ने कहा कि अपनी कन्या को बुलाओ, स्वयंवर का आयोजन आरंभ करो। सुबाहु ने कई प्रकार से अपनी कन्या को समझाया, लेकिन कन्या ने साफ मना कर दिया कि मैं एक ही पति का वरण करूंगी और मैं उसे कर चुकी हूँ सुदर्शन को, इसलिए मैं अब स्वप्न में भी पराए पुरुष के दर्शन नहीं कर सकती, इसलिए मैं नहीं चाहूंगी। राजा ने आकर के निवेदन किया कि मेरी कन्या हठ में आ गई, जिद में आ गई है, वो सुदर्शन से ही ब्याह करना चाहती, किसी का वरण नहीं करना चाहती, तो आप सभी मुझे क्षमा करें। लेकिन बाकी राजा तो शांत हो गए, लेकिन युधाजीत को बड़ी विचित्र बात लगी। सुबाहु राजा ने कहा कि यदि आप स्वयं सुदर्शन को समझा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरी कन्या स्वयंवर कर लेगी यदि सुदर्शन यहाँ से चले जाए। तो राजाओं ने आकर के सुदर्शन को बुलाया और जो सरल और अच्छे स्वभाव के राजा थे सुदर्शन के पास पहुंचे और कहा, सुदर्शन तुम्हें भय नहीं लगता, ना तुम्हारे पास कोई सेना है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ये बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तो तुम्हारा अपना नाना ही यहाँ पर बैठा हुआ है, क्या तुम्हें भय नहीं लगता, तुम्हारा भाई जो तुम्हारे प्राणों का
रक्षक नहीं भक्षक बना हुआ है। तो तुम ऐसे ही अकेले चले आए, तुम्हें डर नहीं लगा? बोले डर किस बात का, आप मेरे विषय में अच्छा सोचते हैं तो आप जैसे शुभ चिंतकों का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन डर किस बात का लगना चाहिए? जो विधि के विधान में लिखा है वो तो हो करके रहेगा, अटल सत्य महाराज। महाराज परीक्षित ने कितने उपाय किए, 7 तल का महल बना दिया, लेकिन क्या प्राण बचे? काल का प्रकोप था, तक्षक आया, उनका दर्शन कर गया। तो महाराज जब काल आएगा तो कोई नहीं बचा सकता है, और यदि काल नहीं आया, मृत्यु नहीं आई है, तो आपको कोई मार भी नहीं सकता। इसलिए मैं सब कुछ समर्पित करके उस देवी के आदेश से आया हूँ, और जो वो कहेंगी वही मैं करूँगा। युधाजीत क्रोध में आकर के सुवाहु राजा से कहते हैं कि तुमने हमें बुला करके नीचा दिखाने के लिए ये आयोजन किया था, यदि तुम्हारी कन्या ने सुदर्शन का वरण किया तो मैं पूरी सेना सहित तुम पर आक्रमण कर दूंगा, तुम्हें भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी कन्या को और तुम्हारे परिवार को भी। हाँ, यदि सुदर्शन को छोड़ करके मेरे दौहित्र का वरण करे या ना करे, किसी अन्यत्र राजा का भी इसने वरण कर लिया, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सुदर्शन ने शोक में, सुवाहु राजा ने शोक में डूब करके अपनी रानी सहित अपनी पुत्री को बारंबार समझाया, लेकिन पुत्री जब नहीं मानी तो अंत में पुत्री ने यही कहा कि मेरे भाग्य के भरोसे मुझे छोड़ दीजिए, और रात्रि में सुदर्शन के साथ मुझे इस नगर से विदा कर दीजिए, आगे जगदम्बा की इच्छा जो वो चाहेंगी वही होगा। तो राजा ने रात्रि में ही इन दोनों का विवाह किया, और दान दहेज बहुत सारा दे करके जैसे ही विदा करने लगे महाराज, तो राजाओं के भी कान खड़े थे, इन्होंने ढोल नगाड़ों की ध्वनि सुन ली, सुंदर गायन हो रहे थे, वादन हो रहे थे, सुनी और चारों तरफ से उस नगर को घेर लिया। जैसे ही सुदर्शन रथ पे सवार हुए शशिकला के साथ, तो चारों तरफ से धनुष बाण चलने लगे। अब सुदर्शन के पास तो कोई अस्त्र शस्त्र है नहीं, इसलिए उसने सीधे नतमस्तक होकर के देवी की आराधना की। माँ भी समझ गई कि भक्त अधीर है, इसे हमारी आवश्यकता। साक्षात वो जगत जननी दुर्गा सिंह पर सवार हो करके अष्टभुजी वो महारानी वहीं पर उस सम्रांगण में प्रकट हो गई। महाराज शशिकला और सुदर्शन ने प्रणाम किया और कहते हैं कि माँ, मन से, कर्म से, वचन से हमने तेरी आराधना की है, तूने जो हमें कहा हमने वही किया है, मैं अपने माता पिता के खिलाफ भी चली गई सिर्फ तेरे वचनों के कारण, इसलिए यदि हमारी इसमें मृत्यु हो तो हमें वीर गति देना, अपने चरणों में स्थान देना, बस इतना ही कहूंगी माँ। सारे राजा डर गए, अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया महाराज, लेकिन युधाजीत इनको देख रहा है कि हतोत्साहित हो गए, तो उत्साहित करने लगा कि अरे ये सब तो राजा सुबाहु की चाल है, ये कोई नारी इसने बना रखी है, ये तुम्हें डरा रही है, इससे मत डरो। अस्त्र शस्त्र जैसे ही चलने लगे, वाणों पर वाण सुदर्शन के ऊपर छोड़े जा रहे हैं। सुदर्शन सिर्फ देवी को देख रहा है, प्रणाम कर रहा है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं कि अब तेरे ही भरोसे इस जीवन की नैया महाराज। तो कहा ना कि मैं बालक तू माता से रवाली है, अटूटिए नाता से रवालिए, ओ मैं बालक तू माता से रवालिए है, अटूटिए नाता से रवालिए, मैं बालक तू माता से रवालिए है, अटूटिए नाता से रवालिए। Oh, oh, oh.
मेरा प्यार मिला है, तेरी ममता मिली है मुझको। जो आरंभ से ही माँ पर समर्पित थे कि माँ मैं तेरा बालक और तू मेरी माँ। अब इस बालक की इज्जत, इस बालक के प्राण तेरे हाथ में, इस प्रकार जब स्तुति की है तो आदि शक्ति भी देख रही है कि सुदर्शन के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और सिर्फ हाथ जोड़ करके चारों तरफ से अपनी शक्तियों को अब समेट करके सिर्फ तुझ में समर्पित कर रहा हूँ। अब मेरी कोई सामर्थ्यता है ही नहीं कि मैं इनसे जीत पाऊंगा, इसलिए अब तेरे हाथ और तेरे बालक के प्राण है माँ, अब तू ही कुछ कर सकती है। आदि शक्ति ने जैसे ही देखा कि मेरा बालक अधीर है, इससे मेरी आवश्यकता है, तो आदि शक्ति ने अपने धनुष पर वो बाण चढ़ाए हैं महाराज और अपने सुंदर हाथों से उन्हें खींचा है। और जैसे ही खींचा तो एक ही बाण जब छूटे हैं तो चारों तरफ जितनी सेना थी सबका संहार कर दिया, सभी राजाओं का आदि शक्ति ने वध किया। और जैसे इनका वध हुआ तो सुदर्शन के जयकारे लग रहे हैं, आदि शक्ति के उस भक्त के जयकारे लग रहे हैं कि आज भक्त के हाथों विवश होकर के भगवान को आना पड़ा, भवानी को आना पड़ा महाराज।
राज भक्त के बस में है भगवान। तो भक्त जो चाहे वो करवा सकता है उस भगवान से। तो आज जगदम्बा को आना पड़ा उस भक्त की इज्जत के लिए, उसकी रक्षा के लिए। महाराज सुबाहु ने आकर के चरणों में प्रणाम किया, स्तुति की देवी की। देवी ने कहा कि कहो सुबाहु, तुम्हें क्या वरदान दे दूं। तो सुबाहु कहते हैं कि माँ, तुम मेरी मेरे जमाता की रक्षा करने वाली, तेरे दर्शन से ही मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। अब किसी और चीज की क्या कामना क्या आकांक्षा, लेकिन मैं इतना ही चाहूंगा कि तू सदैव इस काशी में निवास कर और अपने भक्तों की रक्षा कर, इस काशी की रक्षा कर। तो यहाँ पर जगत जननी ने आशीर्वाद दिया। और सुबाहु राजा जब लौट करके आए तो इन्होंने एक मंदिर बनवाया देवी का, और ये उस मंदिर में सदैव आदि शक्ति की आराधना करने लगे। उधर सुदर्शन ने भी जगदम्बे को प्रणाम किया, जगत जननी की स्तुति की। तब माँ ने उन्हें भी वरदान दिया कि सुदर्शन तुम्हारा कल्याण हो, तुम अयोध्या जाकर के राज्य शासन भोगो, राजा बनो और वहाँ मेरा स्मरण करते रहना, सदैव पूजा अर्चना करते रहना। चतुर्दशी अष्टमी एवं नवमी के दिन मेरी विशेष पूजा अर्चना करना, क्योंकि इन दिनों में मैं विशेष रूप से प्रसन्न होकर के भक्तों पर कृपा करती हूँ। वैसे तो पूरा जीवन ही मेरा है, लेकिन यदि आप विशेष रूप से किसी दिनों को आदि शक्ति की आराधना करना चाहते हैं, तो देवी ने यहाँ पर सुदर्शन को स्वयं अपने मुख से उपदेश दिया है कि चतुर्दशी अष्टमी और नवमी के दिन मेरी विशेष पूजा करना, जिससे मैं प्रसन्न होंगी। चैत्र अश्विन आषाढ़ और माघ के नवरात्र के अवसर पर भी मेरी विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे मैं अपनी कृपा अपने भक्तों पर वर्षाती। सुदर्शन लौट कर के आए हैं, देवी की कृपा से अवध का, अयोध्या का इन्हें राज्य मिला। महाराज ये राजा बने, इन्होंने राज्य भोगा और अयोध्या में ही देवी का मंदिर निर्माण करवाया। वहीं पर ये राज्य शासन करते हुए सदैव आदि शक्ति के उस बांग बीज मंत्र का जाप करते हुए इनका भजन करने लगे। जनमेजय ने पूछा कि महाराज नवरात्रि का विधान क्या है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसके नियम क्या हैं, ये आप मुझे विस्तार से बताइए। तो व्यास जी महाराज यहाँ पर नवरात्रि का नियम विधान बता रहे हैं कि चैत्र और अश्विन मास में अमावस्या के बाद प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्र कहलाता है। ये नवरात्रों में व्रत या पूजन करने के लिए अमावस्या को ही सुंदर मंडप तैयार कर लेना चाहिए। मंडप 9 हाथ लंबा और 7 हाथ चौड़ा होना चाहिए, अर्थात 16 हाथ का मंडप इस समतल भूमि पर सुंदर सजावट सहित बनाया जाए महाराज। और मंडप के मध्य में 4 हाथ लंबी एवं 4 हाथ चौड़ी वेदी माता भगवती के विराजने के लिए बनानी चाहिए। इस मंडप को सफेद मिट्टी एवं गोबर से आप लेपन कर सकते हैं। उसके बाद चांदनी बदनवार झंडी आदि लगा करके उस मंडप की सुंदर सजावट करिए, जिसमें आप देवी को विराजमान कर रहे हैं। नित्य प्रति स्नान के बाद नियम करके नवरात्रि के निमित्त ब्राह्मणों का वरण करें, सामर्थ्य अनुसार वस्त्र आभूषण आदि प्रदान करें, क्योंकि ब्राह्मणों को सुहागन स्त्रियों को और कुमारी कन्याओं को इनको दान करने से देवी अत्यधिक प्रसन्न होती है। महाराज सिंहासन पर माँ भगवती की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति यदि नहीं है आपके पास, मूर्ति का अभाव है, तो आप नवार्ण मंत्र अंकित यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं, जिसमें देवी का ही स्वरूप होता है, वो उतना ही उससे भी प्रसन्न होती है। कलश स्थापित करें। हस्त नक्षत्र पूजा प्रारंभ करने के लिए शुभ माना जाता है। उसके बाद यथासंभव 9 दिन व्रत करके नवाह पारायण का पाठ करें या ब्राह्मणों से पाठ कराएं, तो इससे आदि शक्ति अत्यंत प्रसन्न होती है। नित्य प्रति भगवती की पूजा विभिन्न नवीन पुष्पों से, श्रद्धा पूजन से, भक्ति से करें। उसके बाद
आई कन्या पूजने की बारी महाराज, कन्या पूजन की। तो प्रथम दिन एक कन्या, द्वितीय दिवस दो कन्या, तृतीय दिवस तीन कन्या, इस प्रकार नौ दिनों तक नौ कन्याओं को भोजन प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए और उनकी प्रसन्नता के अनुकूल उनको सुंदर वस्त्र आभूषण जो भी आप दे सकते हैं वो प्रदान करने से देवी प्रसन्न होती है। कहते हैं कि कन्या का अर्थ होता है दो वर्ष की कन्या बालिका, तीन वर्ष की कन्या जो होती है वो त्रिमूर्ति होती है, चार वर्ष की कन्या कल्याणी होती है, पांच वर्ष की कन्या रोहिणी होती है, छह वर्ष की कन्या कालिका होती है, सात वर्ष वाली चंडिका, आठ वर्ष वाली सांभकी, नौ वर्ष वाली दुर्गा, दस वर्ष वाली सुभद्रा कहलाती है और इसके ऊपर आयु की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। सिर्फ दस वर्ष की बालिका ही कन्या कहलाती है महाराज। कन्या पूजन से आपके जीवन में जो भी दुख हैं, दरिद्र हैं, उनका समन करती हैं ये आदि शक्ति जगदम्बा। इसलिए आप यदि सभी कार्य सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सभी कार्य सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, युद्ध में विजय के लिए क्षत्रिय की कन्या, व्यापार लाभ के लिए वैश्य की कन्या और शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण और क्षत्रिय को सिर्फ ब्राह्मण कन्या का ही पूजन करना चाहिए, ये देवी भागवत में आया है महाराज कि ब्राह्मण और क्षत्रिय को सिर्फ ब्राह्मण की कन्या का पूजन, वैश्य को क्षत्रिय या वैश्य कन्याओं का पूजन करना चाहिए और शूद्रों के लिए चारों वर्ण की कन्या पूजन के योग्य होती है। अष्टमी के दिन विशेष रूप से माँ भगवती ने शिव जी के, जो सती महारानी ने अपने देह को त्यागा था, तो उस यज्ञ को बचाने के लिए, उस यज्ञ का विध्वंस भी करने के लिए भद्रकाली ने अवतार लिया था, इसलिए अष्टमी को रात्रि में भद्रकाली की विशेष रूप से पूजा की जाती, इस दिन उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। इसलिए अष्टमी की रात्रि पूरी जाग करके भद्रकाली की सिद्धि की जाती है, उपासना की जाती है महाराज। इस प्रकार यदि आप पूरे नवरात्र व्रत करके इसका पालन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो जो तीन दिन भी व्रत करते हैं उनको भी इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। नवरात्र अनुष्ठान में चार ही बातें प्रमुख रूप से देखी गई हैं, देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन। इसके उपरांत दक्षिणा देकर इन्हें संतुष्ट करना और नवरात्रि से प्रसन्न होकर के देवी समस्त फलों को प्रदान करती है। इसी संबंध में एक कथा बताया गया है। यहाँ पर व्यास जी महाराज ने एक कथा बताई कि एक वैश्य था, समय के फेर से अत्यंत निर्धन हो गया था और किस प्रकार उसने देवी की आराधना की और पुनः संपत्तियों का मालिक बना महाराज। तो एक ब्राह्मण था, एक वैश्य था, वो समय का फेर ऐसा आया कि उसका सब कुछ चला गया और वो निर्धन हो गया। एक दिन महाराज हुआ क्या कि उसके अपने बच्चे भी भूख से प्रताड़ित होने लगे और उसे छोड़ करके चले गए। उसकी पत्नी बहुत दुखी रहने लगी, पुत्र भी चले गए, धन भी चला गया, सब कुछ चला गया। तो एक ब्राह्मण देवता उसे मिले, उस ब्राह्मण देवता से उसने कहा कि मैं क्या उपाय करूं जिससे मुझे मेरा खोया हुआ वो पुराना जीवन फिर से मिल सके महाराज। तो उस ब्राह्मण देवता ने बताया कि तुम आदि शक्ति की आराधना करो, नौ दिन तक इनका पूजन करो, उसके उपरांत ही तुम्हें देवी के दर्शन होंगे और तुम्हें सब जितनी भी सुख समृद्धि है वो प्राप्त होगी। तो उस ब्राह्मण देवता ने देवी की आराधना करना आरंभ किया। धीरे धीरे ऐसा हुआ महाराज कि एक बड़े सेठ के यहाँ इसे नौकरी भी मिल गई, धन भी आ गया, इसके खोए हुए बालक भी मिल गए और समय ऐसा आया कि नौ साल तक, नौ वर्षों तक इसने देवी की आराधना की और इसके उपरांत देवी ने स्वयं इसको दर्शन दिए प्रकट हो करके। तो महाराज ये तो सिर्फ एक दृष्टांत था राजन, ऐसे ही श्री राम ने भी किया था। राम ने भी देवी की आराधना से ही यहाँ पर
विजयश्री प्राप्त की थी। तो यहाँ संक्षिप्त रूप से व्यास जी महाराज ने राम कथा को भी श्रवण पान कराया है कि किस प्रकार इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए महाराज दशरथ जी, इनकी कोई संतान नहीं थी तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, चार पुत्रों ने जन्म लिया, चारों के जन्म का उत्सव मनाया गया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनके चारों के नामकरण संस्कार हुए। धीरे धीरे इन्होंने बालपन से अवधवासियों को प्रेम सौहार्द प्रदान किया। उसके बाद ये विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल गए, वहां से विद्या अध्ययन करके लौटे, तब विश्वामित्र जी ने आकर के दशरथ महाराज से निवेदन किया कि राक्षसों के उद्धार के लिए आप मुझे इन्हें प्रदान करें। ना चाहते हुए भी वशिष्ठ जी के आदेश पर इनको भेज दिया गया। इन्होंने जा करके मार्ग में सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया, उसके बाद सुबाहु और मारीच का उद्धार किया। तत्पश्चात ये विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की ओर बढ़े, बीच मार्ग में अहिल्या का उद्धार किया, उस पर कृपा की और सीधे पहुंच गए जनकपुरी। वहां पर जानकी माता से इनका विवाह हुआ। यहां पर संक्षिप्त रूप से हम राम कथा सुनते जा रहे हैं, विस्तार से सुनेंगे तो अभी देवी भागवत भी पूरा बाकी है महाराज, इसलिए व्यास जी ने भी संक्षिप्त रूप से सुनाई है जन्मेजय को कि देवी की कृपा से किस प्रकार राम ने भी विजय श्री प्राप्त की। तो चारों का विवाह हुआ कहाँ, जनक महाराज जी की नगरी में उन्हीं की अपनी कन्याओं से, राम जी का जानकी से, लखन लाल का उर्मिला से, भरत जी का मांडवी से और शत्रुघ्न जी का श्रुत कीर्ति से विवाह संपन्न हुआ। समय बीतता गया और उसके बाद एक दिन महाराज के मन में विचार आया कि अब राज गद्दी अपने पुत्र को दे करके, राम को दे करके मुझे भजन करना चाहिए महाराज। तो राज गद्दी राम को देने के लिए राज्याभिषेक की तिथि निर्धारित की गई कि कल प्रातः राम का राज्याभिषेक है। लेकिन इसी को कहते हैं कि विधि का विधान होना था राज्याभिषेक पर, खबर मिली कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है। अब राम अकेले तो जाएंगे नहीं, साथ में जानकी जी और लखन लाल जी भी उनके साथ चल पड़े। जैसे ही राम ने अवध छोड़ा तो दशरथ महाराज ने अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज राम जी आगे बढ़े हैं, राम जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वन में विचरण करते हुए वन की लीला को संपन्न करते हुए निवास कर रहे थे चित्रकूट में। वहीं भरत लाल जी आए लौट करके, जब राम के राज्य अभिषेक की बात चल रही थी तब उस समय भरत लाल जी ननिहाल में थे, लौट करके आए, पिता की मृत्यु की सूचना मिली, राम का वनगमन का संदेश मिला। तो मानो पिता की मृत्यु ने उतना चोट नहीं पहुंचाया जितनी चोट पहुंचाई राम के वनगमन के प्रसंग ने। महाराज टूट गए भरत जी महाराज, पिता का अंतिम संस्कार किया और सीधे राम की खोज में परिकर सहित चल पड़े। राम को ढूंढा, उनसे निवेदन किया कि आप चलें और इस गद्दी को स्वीकारें, लेकिन राम कहते हैं कि माता पिता के संस्कारों पर चलने वाला संतान ही वास्तविक संस्कारी संतान होता है। इसलिए भरत समस्या यही है कि पिता ने जो आदेश दिया मैं उसका पालन कर रहा हूँ, अब तेरे सामने भी वही बात है कि तू भी उसका पालन कर। और पिता की यही अंतिम इच्छा थी कि राम को वन मिले और भरत को राज्य मिले। इच्छा तो थी कैकेयी की महाराज, लेकिन नारी के आगे पुरुष हार गया और यहीं पर दशरथ महाराज की चूक हो गई। भरत जी ने लाख प्रयास किया, राम जी को नहीं लौटा करके ला पाए। तब नंदीग्राम में आकर के स्वयं चरण पादुका रख करके निवास करते हैं, वहीं भगवान का भजन करते हैं। और महाराज उधर राम जी ने सोचा कि अब अवधवासी जान गए, अब हमको यहाँ भी नहीं रहने देंगे, इसलिए स्थानांतरण कर लिया, सीधे पहुंचे पंचवटी। इसी पंचवटी में आ गई सूर्पनखा महाराज और आ करके राम जी को जानकी माता को मारने के लिए दौड़ी, विवाह का प्रस्ताव रख दिया, विवाह नहीं हुआ। अब क्रोधित हो गई जानकी माता को मारने के लिए दौड़ी तो लखन लाल ने इनके नासिका और कान को हटा दिया। रक्त का प्रवाह करती हुई चिल्लाती हुई अपने भाइयों के पास पहुंच गई। खरदूषण और त्रिश्रा आए युद्ध करने के लिए, राम ने इनका उद्धार किया और राम जी
अब जानकी माता से कहते हैं कि अब रावण आएगा आपका हरण करने के लिए, तो आप अपनी भी लीला दिखाइए, अग्नि में समा जाइए, क्योंकि वास्तविक सीता को यदि शक्ति को रावण छू लेता तो वहीं पर मर जाता, भस्म हो जाता। महाराज वो कोई साधारण नारी नहीं थी, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा थी, अग्नि में समाहित तो हो गई। रावण आया स्वर्ण का मृग बना करके मारीच को लेकर के आया, लोभ प्रकट किया, और जो माया रूपी सीता थी उस पर लोभित तो हो गई। महाराज राम जी को कहा कि इसे मार करके लाइए, राम जी मारने चले गए। वो जब स्वर्ण का मृग मरा तो हा लक्ष्मण कह के पुकारा, लक्ष्मण भी पीछे पीछे दौड़ पड़े उनके बचाव के लिए। जानकी माता ने कटु शब्द कहे तब लखन लाल जी गए थे। इधर रावण ने सूनी कुटिया देखी, आकर के जानकी माता का हरण कर लिया। जटायु ने बहुत ज्यादा प्रयास किया कि जानकी माता को मैं बचा लूं, लेकिन नहीं बचा पाया, उसके पंखों को काट दिया, वहीं पर घायल पड़ा, राम राम पुकार रहा था। राम लखन जब लौट करके आए तो देखा तो कुटिया सूनी है। एक क्षण तो राम भी विलाप करने लगे कि हे जानकी कहाँ गई तू, मैं यदि माता पिता के वचनों को ना मानता तो आज तेरे साथ ऐसा ना होता। एक समय के लिए तो वो परम ब्रह्म भी रो रहा विलाप कर रहा है। महाराज आगे बढ़े प्रभु जानकी माता की खोज में, जटायु का उद्धार किया, उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद दुर्वासा ऋषि के श्राप से श्रापित कबंध का भी प्रभु ने उद्धार किया। उसके बाद सबरी के आश्रम में पहुंचे, उसको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। भगवान पहुंचे सीधे हनुमान जी के पास, और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव जी से इनकी मित्रता हुई। सुग्रीव का भाई वाली जो अत्याचारी था उसका प्रभु ने वध किया, और उसके उपरांत आज भगवान जब किष्किंधा के उस पर्वत पर उदास बैठे हुए थे तब नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि आज परम ब्रह्म को उदास देख करके हंसी आ रही, भगवान क्यों उदास, क्या आप भी भूल गए? मैं आपको बताता हूँ कि जानकी कोई साधारण नारी नहीं है, जानकी साक्षात लक्ष्मी का अंश है, आदि शक्ति है, जगत जननी। महाराज पूर्व जन्म में एक ऋषि की कन्या थी, ये तप कर रही थी भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये जब तप कर रही थी तो यही रावण आया, और इनके सुंदरता को देख करके तपस्वी की मूर्ति ऐसी सुंदर थी महाराज कि उसे देख करके मोहित तो हो गया। तो रावण ने इनसे प्रस्ताव रखा कि तुम हमसे विवाह कर लो। इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो हरि को ही ब्याहूंगी, उनसे ही विवाह करूंगी। तो रावण इनको जबरदस्ती घसीटने लगा, इनके केशों को पकड़ा और इसे घसीट करके ले जाने लगा। तो इस तपस्विनी ने, इस ऋषि कन्या ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए कि तूने मेरा स्पर्श कर लिया, अब मैं इस शरीर को रख नहीं सकती। लेकिन हाँ रावण, बजे तो तेरी मैं ही बनूंगी, मारने तो तुझे मैं ही आऊंगी। तो महाराज वही ऋषि की कन्या आज लक्ष्मी के अंश से जानकी बन करके प्रकट हुई। और आपको तो पता है कि जानकी को न भूख लगती है न प्यास लगती है, इन पर इनका कोई असर नहीं, माया का कोई असर नहीं। कामधेनु गाय स्वयं इंद्र भेजते हैं जिसके दुग्ध का ये पान करती हैं, और जिसके पान करने से ना इन्हें क्षुधा है ना प्यास है। महाराज इसलिए आप क्यों व्यर्थ में चिंतित होते हैं? आपको मैं रावण वध का एक उपाय बताता हूँ, नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करिए, उसी से आपकी समस्या का समाधान होगा। जिसे मधु कैटव को मारने के लिए हरि ने भी किया था, वृत्रासुर के वध के लिए इंद्र ने भी किया था, महाराज त्रिपुरासुर के वध के लिए शंकर ने भी किया था, उसी व्रत का आप पालन करिए। तो ये आदि शक्ति ये जगदम्बा है कौन, और आपने मुझे इनके व्रत की विधि बता दे महाराज की क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि नवरात्र की विधि जो है आपकी, ये तो मैं ही पूर्ण करवाऊंगा महाराज, ये नवरात्र की जो पूजन है वो तो मैं ही करवाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे अनुष्ठान में ऐसे पूजन में बड़ा आनंद आता है। तो नारद जी बन गए
ब्राह्मण देवता पूजन कराने लगे। राम जी लखनलाल जी ने 9 दिन तक व्रत करके इस पूजन को किया महाराज। उसके बाद भवानी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा कि राम क्या आप भूल गए हो, आप ही तो मत्स्य अवतार लेकर के इस पृथ्वी में आए, आपने ही तो वराह का अवतार लिया, आप ही तो वामन बने, और तो और महाराज आप कभी कृष्ण बनते हो कभी राम बनते हो, मेरी शक्ति से इस समाज में इस लोक में इस पृथ्वी लोक में जब जब अधर्म बढ़ता है तो उसे काटने के लिए धर्म के बचाव के लिए आप ही तो अवतार लेते हो, फिर आप भूल कैसे गए इस बात को। तो चिंता मत करो, जल्द ही रावण का उद्धार होगा और तुम अपने अवध धाम को वापस लौटोगे। तो कहते हैं कि 9 दिनों की इस आराधना के उपरांत ही राम ने रावण को मारा और सुख पूर्वक 11,000 वर्षों तक धराधाम पर शासन करके राम जी इस धरा धाम से गए थे अपने साकेत धाम की ओर। महाराज भगवती अंतर्ध्यान हो गई, राम जी सीधे प्रस्थान कर गए अपने सेनापतियों सुग्रीव आदि के साथ, राम लंका की ओर प्रस्थान कर गए। नल नील के सहयोग से सेतु बांधा गया और भगवान ने वहां जा कर के लंका के उस मैदान में मेघनाद कुंभकर्ण रावण सबका वध किया और पुष्पक विमान से समयावधि के उपरांत ही लौट करके अवध धाम पधारे। महाराज तुम आदि शक्ति की कृपा से सब कुछ संभव है महाराज, कौन क्या नहीं कर सकता, कौन क्या प्राप्त नहीं कर सकता। उन्हीं आदि शक्ति के अंश से ये भगवान कभी राम बनते कभी कृष्ण बनते। तो जनमेजय ने कहा कि रुकिए प्रभु, आपने कृष्ण का नाम लिया तो मुझे कृष्ण के नाम से एक बात याद आई कि कृष्ण के पिता होकर के वसुदेव ने ऐसा कौन सा गलत काम किया था कि जिन्हें कारागृह की सजा मिली, आखिर देवकी ने ऐसा कौन सा कृत्य किया कि जिससे इन्हें कारागृह की सजा मिली। तो महाराज इसका भी एक कारण है, ये वसुदेव कोई और नहीं कश्यप ऋषि ही वसुदेव बन करके आए थे और इन्हीं की दोनों पत्नी अदिति और सुरसा ही रोहिणी और देवकी बन करके आई थी। तो एक बार कश्यप जी ने यज्ञ किया, यज्ञ में इन्होंने इंद्र से इनकी गाय मांगी, कामधेनु गाय को लेकर के आए। अब महाराज इनके मन में भी लोभ आ गया, यज्ञ के बाद जब इन्होंने कहा वरुण देव ने वापस करने के लिए कहा तो इन्होंने नहीं किया। अब वरुण देव ने क्रोध में आकर के इन्हें श्राप दे दिया क्योंकि वो गाय के जो बच्चे थे बछड़े थे वो माँ के बिना रंभाते थे, पुकारते थे महाराज, रोते थे, इसलिए श्राप दे दिया कि जिस प्रकार इसके बच्चे इसके लिए रो रहे हैं उसी प्रकार तुम भी अपने बालकों के लिए तड़पोगे और तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बालक मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी से आकर के वरुण ने शिकायत की तो ब्रह्मा जी ने भी इस श्राप का अनुमोदन कर दिया। इस प्रकार इसे श्राप लगा कश्यप महाराज को। अब दिति के श्राप से अदिति को भी यही सजा भोगनी पड़ी। महाराज ये कैसे संभव, क्योंकि दिति अदिति तो दोनों सहोदर हैं अर्थात एक ही पति की दोनों पत्नियां, तो ये कैसे हुआ। तो बोले एक बार अदिति के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया था तो उसमें थे इंद्र, इंद्र की सत्ता इनका नाम देख करके दिति के मन में भी इच्छा हुई कि हमें भी संतान हो इंद्र के समान शक्तिशाली, तो उन्होंने अपने पति कश्यप से कहा कि मुझे भी इंद्र के समान पुत्र चाहिए। अब कश्यप महाराज ने इन्हें एक व्रत बता दिया, पयो व्रत। ये व्रत करने लगी। अब व्रत का ऐसा कुछ नियम था कि उसमें आप सो नहीं सकते थे, निद्रा नहीं आनी चाहिए, जैसे ही तामसिक शक्ति प्रवेश करेगी तो व्रत भंग हो जाएगा महाराज। एक दिन क्या हुआ, अदिति ने कहा इंद्र से कि यदि इसको भी तुम्हारे समान पुत्र हो गया तो बड़ी विडंबना हो जाएगी, इसलिए कोई ना कोई उपाय करके इसका व्रत भंग कर दो। इंद्र आए और आकर के बड़ी चतुराई दिखाई, मैया तुम व्रत करके बहुत थक गई हो, तुम्हारे चेहरे पर थकान लग रही, इसलिए लाओ मैं तुम्हारे चरण दबा देता हूँ। इंद्र चरण दबाने लगे, दिति महारानी सो गई।
जब दिति की आंख लग गई सो गई तो ये इंद्र सूक्ष्म रूप लेकर के प्रवेश कर गए दिति के गर्भ में, और दिति के गर्भ में प्रवेश करके इन्होंने वज्र से उस गर्भ के सात टुकड़े कर दिए, फिर एक एक टुकड़ों के सात सात खंड कर दिए, और यही सारे टुकड़े बन गए 49 प्रकार के पवन देवता महाराज। अब दिति को ये बात पता चली कि इन्होंने मेरा गर्भ नष्ट करने का प्रयास किया, इस प्रकार का कृत्य किया, तो उन्होंने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया उस अदिति को कि तुम भी अपने नवजात शिशुओं की मृत्यु का कष्ट भोगोगी और तुम्हारे सामने तुम्हारे बालकों की मृत्यु होगी। तो महाराज इसी साप के वशीभूत इनको इस धराधाम में आना पड़ा। एक बने वसुदेव, कश्यप जी बन गए वसुदेव, सुरसा बनी रोहिणी, और वही अदिति बनी देवकी मैया, और इनके साथ ऐसा कृत्य हुआ महाराज। तो क्या यहाँ पर पुराणों से हट करके जन्मेजय ने प्रश्न किया, धर्म का विवेचन किया, चर्चा की कि महाराज ये बताओ कि धर्म के मुख्य चार गुण होते हैं, सत्य, सोच, दया और दान। तो क्या इन धर्मों के देवता, धर्मों को पालन करने वाले इन देवताओं पर भी तामसिक प्रवृत्ति प्रवेश करती है? बोले महाराज अवश्य करती, किस पर नहीं करती, ये सृष्टि ही तीन गुणों से बनी हुई है, सत, रज, तम से, और इससे कोई भी वंचित नहीं है, इससे कोई नहीं छूटा, चाहे वो देवता हो चाहे मनुष्य, नर नारायण नहीं छूटे महाराज। धर्म ब्रह्मा के पुत्र, और इन्हीं धर्म के पुत्र हुए नर और नारायण, साक्षात भगवान ही दो रूपों में आए, नर और नारायण के रूप में तपस्या करने लगे। अब जब ये तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम में जाकर के, तो महाराज इनकी अधिक तपस्या से भयभीत हो गया कौन? इंद्र। इंद्र पहले भयभीत होता है, कोई तपस्या करे, कोई यज्ञ करे तो इंद्र जरूर विघ्न डालता है, इसको लगता है कि कहीं मेरी गद्दी न छूट जाए। तो इंद्र भयभीत हो गया, आकर के इनकी साधना में प्रकट हो गया और कहा कि ऋषियों हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न। सोचिए अब नर नारायण को कह रहा, अपने से बड़े हैं जो जो इनको बनाते हैं उन्हीं को ये वरदान देगा, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। नर नारायण ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अपना रास्ता देख लो, हमें तपस्या करने दो। महाराज इन पर कोई असर नहीं देख करके इसने कई प्रकार से इनको डराने का, भयभीत करने का प्रयास किया, लेकिन ये किसी प्रकार से नहीं घबराए, नहीं डरे। तब इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के नर नारायण की तपस्या भंग करो। कामदेव भी अपनी अप्सराओं को साथ में लेकर के पहुंच गए और वसंत ऋतु का निर्माण कर दिया, आगमन कर दिया, और कहा कि देवेंद्र देखो किसी भी देवता की आराधना कर रहे होंगे, मैं उसे भंग कर सकता हूँ। यदि हाँ, भगवती आदि शक्ति की आराधना करने वाले के उस आराधना को, उस तपस्या को मैं भंग नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। अपनी अप्सराओं को, गंधर्वों को लेकर के आए, बसंत ऋतु का आगमन किया, चारों ओर वृक्ष हरे भरे हो गए, सुंदर फल लग गए, लता और पौधे प्रस्फुटित हो गए महाराज, और ऐसा सुंदर वातावरण बना कि लागे बीच मनोहर नाना वरन वरन वेल बिताना, लागे बीच मनोहर नाना वरन वरन वरे वेल बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज सम पल्लव कर सुमन सुहाए निज संपत्ति सूरि रूप लजाए। जातक कोकिल कीर चकोरा, जातक कोकिल कीर चकोरा, जातक कोकिल चीर चकोरा,
नचत विहंग रटत कल मोरा, नचत विहंग रटत कल मोरा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भंगा, विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ऐसा मनोहरम वातावरण बना महाराज कि प्रकृति चारों तरफ से परिवर्तित हो गई। असमय ही वसंत ऋतु का मौसम आ गया। नर नारायण भी उस सुगंधी से, उस वातावरण से उनके नेत्र खुले, तपस्या उनकी टूटी और कहा महाराज ये इस समय इस बद्रिका आश्रम में बसंत ऋतु का आगमन कुछ समझ में नहीं आ रहा। विचार विमर्श कर ही रहते कि यह जरूर इंद्र का ही कृत्य होगा, इसने हमारी तपस्या भंग करने के लिए ये प्रयास किया। और जैसे ये चर्चा कर ही रहते तभी सामने से आ गए कामदेव जी अपनी सेना सहित, समझ गए कि अब इंद्र का ही प्रकोप है। सुंदर अप्सराएं इनके साथ 6,050 अप्सराएं साथ में थी महाराज। इतनी अप्सराओं को लेकर के तपस्या को भंग किया है। इन अप्सराओं में कुछ का नाम लिया है, रंभा, मेनका, विलोत्तमा, पुष्पगंधा, मनोरमा, घृताची, चंद्रप्रभा, शोभा और कांचन मालिनी तथा अन्य सभी अप्सराओं को मिला करके इनकी संख्या थी 6,050। नारनारायण ने इन्हें देखा, देख करके जब ये देवियां स्वयं नर नारायण के स्वरूप को देखी तो देख करके कहा कि हम तो धन्य हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। इंद्र ने आज हमें नहीं भेजा होता तो हमें आपके दर्शन नहीं होते, हम आपका स्वागत करना चाहती हैं, आलिंगन करने के लिए बड़ी। तो नारायण देवता ने कहा कि रुक जाओ देवियों, आप हमारी अतिथि हो, स्वर्ग से उतर करके आई हो तो हम आपका स्वागत करेंगे। आप थोड़े ना करोगे, परिश्रम से थक गई हो आप, अभी रुक जाओ, हम आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं नारायण के अंदर भी अहंकार आ गया और यही भूल हो गई नारायण से महाराज। तो यही है तामसिक प्रवृत्ति, जैसे इसने प्रवेश किया यही है राजसिक प्रवृत्ति। और जैसे इसने प्रवेश किया तो नारायण भी इससे वंचित नहीं रह गए। इन्होंने अहंकार में आकर के कहा कि इंद्र बड़ा अभिमानी है, इन अप्सराओं को भेज करके हमारी तपस्या भंग करना चाहता है। इसे नहीं पता कि हम यदि ताल मार दे, ठोंक दे महाराज, तो इन जैसी कई अप्सराएं प्रकट हो जाएंगी। तो तुम हमारा स्वागत मत करो, हम तुम्हारा करेंगे। और नारायण देवता ने अहंकार में आकर के अपनी उरुओं पर ताल मारी है, ताल ठोकी है, उरु अर्थात जंघा। तो इन्हीं उरुओं से एक सुंदर नारी, एक सुंदर अप्सरा प्रकट हो गई, वही कहलाई अप्सरा उर्वशी जी। नारायण के ही उरुओं से प्रकट हुई इसीलिए वही कहलाई अप्सरा उर्वशी जी। साक्षात कामदेव के सामने ऐसी कोई नारी थी ही नहीं जैसी वो उर्वशी थी महाराज। तो इसको लो और जाओ अपने लोक में। अब उन देवियों के मन में तो और काम प्रकट हो गया महाराज की, ये तो कोई साधारण पुरुष नहीं है, अब तो हम आपको छोड़ करके जा नहीं सकती, आपके चरण कमलों का हमने आश्रय ले लिया। इंद्र ने हमें ये निकृष्ट कर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन हमारा सौभाग्य इतना कि आपने हमें श्राप नहीं दिया, आपने हमें स्वीकार किया। तो भगवान हम आपके चरण कमलों का आश्रय छोड़ करके जा नहीं सकती हैं, इसलिए आप हमें स्वीकार करें, आप हमें पत्नी बना लें महाराज। अब भगवान की बुद्धि सही स्थान पर आई, सोचने लगे कि महाराज मौन, इसीलिए मुनि मौन करते हैं, जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए तो नहीं ही बोलना चाहिए, व्यर्थ का बात नहीं करना चाहिए। आप किसी से अगर थोड़ा सा तर्क वितर्क करोगे ना, आप फंस जाओगे, उलझ जाओगे, इसलिए हर जगह मौन ही अच्छा होता है। और भगवान को भक्ति भी मौन ही पसंद है,
जितना आप मौन रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जितना आप शब्दों के जाल में फंसेंगे उतना आप फंसते जाएंगे। तो यहाँ पर नारायण के मन में भी आया कि हम इनके शब्दों के जाल में फंस गए, अहंकार में आकर के हम तो और माया जाल में फंस गए महाराज। अब अगर इन्हें स्वीकार नहीं करते तो ये सबरी हमें श्राप दे देंगे। अब विडम्बना आ गई। तो यहाँ पर नर ने नारायण के मन के भाव को जान लिया और कहा, प्रभु क्रोध शांत कर दो नारायण। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी एक बार हमने क्रोध करके अपने ही भक्त से झगड़ा कर लिया था, प्रहलाद जी महाराज से भी इनका झगड़ा हो चुका था नर नारायण का। एक बार की बात है, भृगु जी के पुत्र हुए ऋषि श्रवण, तो ये कहाँ पहुंच गए? पाताल लोक में। अब पाताल लोक में जब ये विचरण कर रहे थे तो प्रहलाद जी ने इन्हें देखा और कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए? इंद्र ने भेजा, इंद्र हमसे शत्रुता रखता है, उसी ने भेजा होगा आपको हमारा पता लगाने के लिए। इन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं है राजन, बात ऐसी है कि मैं भृगुनंदन चवन्य हूँ, और हुआ ऐसा कि मैं नर्मदा के तट पर तप कर रहा था तो एक सर्प आया, एक नाग आया, उसने मेरे पैरों को पकड़ लिया। अब जैसे ही उसने मेरे पैरों को पकड़ा तो मैं हरि का स्मरण करने लगा, भगवत चिंतन करने लगा, तो चूंकि हरि के स्मरण से उसका विष तो चला गया, समाप्त हो गया, लेकिन वो मुझे खींच करके पाताल में ले आया। मैं पाताल में निवास कर रहा हूँ, तो समस्या ये हुई है, इंद्र ने मुझे नहीं भेजा, भयभीत मत हो। तो कहा प्रहलाद जी ने कहा कि आप आए तो बड़ी अच्छी बात है, कि अब आप ये बताओ कि आप पृथ्वी लोक से आए, पृथ्वी में सबसे योग्य स्थान कौन सा, ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें रमण करने से, भ्रमण करने से जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर चवन्य ऋषि कहते हैं कि जिसका तन मन और वचन पवित्र है उसके लिए हर स्थान तीर्थ है महाराज, और जिसके मन में पाप है वो चाहे तन को जितना भी तीर्थों में जा करके धोए कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, इसीलिए कहा गया है मन से ही हरि मिलते हैं और किसी से नहीं मिलते। मन साफ हो निर्मल मन जन, सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन फिर भी यदि आप पूछ रहे हो तो सबसे श्रेष्ठ तीर्थ का बताया है नैमी सारण्य तीर्थ, जहाँ से इस कथा का भी उद्गम हुआ है महाराज। ऐसी है वो पावन स्थली जहाँ पर जाने से जीव को मुक्ति मिलती है, सदगति प्राप्त होती है। कई तीर्थ है, चक्र तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है, अनेक नाना प्रकार के इस पृथ्वी लोक में तीर्थ हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है नैमिसारण्य। अब प्रहलाद जी को इच्छा हुई कि नैमिसारण्य तो हमें जाना चाहिए, तो अपने सेना को साथ लेकर के आ गए पृथ्वी लोक, भ्रमण करने लगे। जब ये भ्रमण कर रहे थे नैमिसारण्य तीर्थ में तो इन्होंने एक वरगद के नीचे देखा कि कुछ अस्त्र शस्त्र पड़े हुए हैं, तो इन्होंने सोचा कि तीर्थ में शस्त्रों की क्या आवश्यकता महाराज, ये तीर धनुष तलवार रखने की तीर्थों में क्या आवश्यकता, यहाँ तो भक्त आते हैं, कौन से दुश्मन आते हैं कि उनको मारना पड़ेगा। जैसे ही कुछ दूर गए तो उन्होंने देखा कि दो तपस्वी तप कर रहे हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है तपस्या कर, इनको देख करके कहा मुझे लगता है कि तुम्हारी तपस्या ढोंग है। क्यों? क्योंकि तुम तपस्या भी कर रहे हो और तुमने अस्त्र शस्त्र भी रख रखे हैं, दोनों का सामंजस्य हो ही नहीं सकता है, जहाँ शास्त्र हो वहाँ शस्त्र की क्या आवश्यकता। तो तुम ध्यान कर रहे हो, भगवान का भजन कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में भय भी है। तो इन्होंने कहा ये कोई और नहीं नर नारायण ही थे, इन्होंने कहा कि हम झगड़ा भी करते हैं और तप भी करते हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या, तुम्हारा इसमें क्या प्रयोजन, तुम अपना रास्ता देखो। लेकिन प्रहलाद जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिसका तुम्हें अहंकार है, अहंकार नहीं करना चाहिए, तुम्हें अहंकार आ रहा है, तुम्हारे अंदर अहंकार, तो यदि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी शक्ति है तो आओ सम्रांगण में और दिखाओ हमारे साथ अपनी शक्ति को। तो महाराज इनको ऐसा क्रोध आया, ऐसी तामसिक राजसिक प्रवृत्ति ने इनके अंदर प्रवेश किया कि नर नारायण युद्ध कर रहे हैं अपने भक्त प्रहलाद से।
कई दिनों तक इनका युद्ध चलता रहा। एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं और इतनी वर्षा हुई कि देवताओं के 100 वर्ष व्यतीत हो गए इनके युद्ध करने में। महाराज, अब देवताओं के 100 वर्ष कितने लंबे होते हैं, इतना व्यतीत हो गया इनके युद्ध करने में। तब भगवान ने सोचा इनका युद्ध ऐसे नहीं रुकेगा। भगवान ने पुनः नरसिंह रूप धारण करके चतुर्भुज रूप लिया, प्रहलाद को दर्शन दिया। प्रहलाद सुंदर हाथ जोड़ करके इनकी स्तुति करने लगे। भगवान ने दोनों को समझाया कि प्रहलाद, ये मेरे ही अवतार नर नारायण है, इसलिए इन्हें भजन करने दो। तुम अपने पाताल में जाकर के निवास करो और आप जाइए अपने बद्रीनाथ धाम में, व्यर्थ का अहंकार मत करिए महाराज। तो प्रहलाद चले गए दर्शन करके पाताल की ओर और नर नारायण चले गए बद्रीनाथ की ओर। इस प्रकार ये कथा आज यहीं पर विश्राम हो। अब हम बैठ करके क्या करें, जब भगवान चले गए थे तो आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। आइए देवी के चरणों में आराधना करते हुए आरती के दर्शन करेंगे, उसके पश्चात अपने अपने ग्रह को प्रस्थान करेंगे। तो मैया से क्या कहना है कि साथ हमारा छूटे कभी ना, छूटे चाहे जहां। साथ हमारा छूटे कभी ना, चाहे छूटे जहां। साथ हमारा छूटे कभी ना, छूटे सारा जहां। अपना तुम रहती हो वहां।
दिहाई में शेरा पाली घबराता है कदम हमारा बढ़ के मैया तेरी चौखट पे आता है कदम हमारा बढ़ के मैया तेरी चौखट पे आता है राहत मिलती दिल को मेरे मिलता चैन यहाँ राहत मिलती दिल को मेरे मिलता चैन कहाँ बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की श्रीमद देवी भागवत महापुराण की आदिशक्ति जगत जननी की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। राधे श्याम।